सलीम मेम साहब, नौकरी की तलाश में जा रही हूँ। नौकरी की तलाश में जा रही हूँ? हर रोज यही बहाना करके घर से चली जाती हो, किराया कब मिलेगा? बस जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उसी दिन आपका किराया चुका दूंगी। ये तो तूने उसी दिन कह दिया था जिस दिन कमरा लिया था, बस नौकरी मिलते ही किराया चुका दूंगी। 6 महीने हो गए, ना तुझे नौकरी मिली ना मुझे किराया। कोशिश तो पूरी करती हूँ पर मेरी किस्मत ही खराब है। इतनी बदकिस्मत थी तो कहीं और मरती, यहाँ क्या करने आई थी? देखिए गाली मत दीजिए। वाह, जब कमरे की जरूरत थी तो कैसे हाथ जोड़ बिनती करती थी, किराया मांगा है तो आंखें दिखाती है। देख लिया, किसी का भला करने का यही फल होता है। बस आज का दिन और ठहर जाओ, मेरी अर्जी के जवाब में एक दफ्तर वालों ने नौकरी के लिए बुलाया है, उम्मीद है कि मिल जाएगी। नौकरी टोकरी मैं नहीं जानती, आज शाम को किराया नहीं मिला तो मैं सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। आप तो पीछे ही पड़ गई हैं, कह दिया ना कि आज मिल जाएगा। आप अगर यहाँ आओगी तो किराया साथ लेकर आना, वरना वापस मत आना। देखा, किसी का भला करो तो ये होता है। किसका ने माँ बाप है न घर बार है, रहने के लिए मकान दिया तो किराए का नाम ही नहीं। हाँ जी, किराया हर हफ्ते ले लिया करें, ऐसे किराएदारों का क्या भरोसा। ये सलाह ठीक दी तूने, तो लाओ पहले तुम ही 50 हफ्ते का किराया निकालो। भाई दरोगा जी, उर्दू में आपका शुक्रिया और हिंदी में धन्यवाद, 6 महीने यहाँ पर खूब सुख पाया। अजी ये तो आप ही का घर है। मैंने कहा वेरी गुड घर। अच्छा दरोगा जी, उर्दू में खुदा हाफिज और अंग्रेजी में गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज दोस्त। उम्मीद है कि अब देर ही से मुलाकात होगी। नहीं जी, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अबे अब हर बार यही आना है, और कोई जेल नहीं है क्या? नहीं साहब, फिर नहीं मिलेंगे। भाई क्या बात है आजादी की हवा की, ज्योग्राफी की हवा से भी ज्यादा ठंडी है, क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर सोहन, सीधी हिमालय पर्वत से आ रही है, अब तो जी चाहता है कि साधु बनकर सारी जिंदगी वहीं गुजार दूं। अबे साधु के बच्चे, चल। अब जाना कहाँ है, वही पुराना मकान है? तो और कहाँ जाएंगे, मगर यार पहले टेकों का भी तो सोचना है कुछ। भाई सोचना तुम्हारा काम है, करना हमारा। वेरी गुड। क्यों भाई, मोहनलाल सोहनलाल एंड कंपनी? क्यों साहब, आजादी की खुशी में हमें पहचानते भी नहीं? ओह वेरी गुड, हमारे पुराने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर हुकूमत राय। गुड मॉर्निंग सर। अब क्या इरादे हैं, अब तो बाज आओगे या हमेशा तुम्हारा पीछा ही करना पड़ेगा? तोबा इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमने कान पकड़ लिए हैं, ये लीजिए। यू उल्लू भाई, आदमी तो तुम शरीफ हो, सिर्फ चाल चलन खराब है। अच्छा आधा बरस। वेरी गुड। हाँ मगर याद रखना, कानून का हाथ बहुत दूर तक पहुंचता है। अच्छा, हम तो नजदीक ही रहेंगे। दोस्त शराफत ही में भलाई नजर आती है, और अंग्रेज भी कह गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मगर गुजारा कैसे होगा? अरे यही तो सोचता हूँ, एक ही तरीका है, सेठ रामदास के पास चलकर फिर हाथ फैलाते हैं। हैं? फिर सेठ रामदास के पास? आगे उसका बड़ा माल हजम कर चुके हैं यार। अरे भाई आप बिल्कुल आखिरी दफा, यानी अंग्रेजी में लास्ट बटवान। वेरी गुड, तो चलो। क्यों भाई? ओ, मैं जरा भगवान के ध्यान में था। सेठ रामदास जी अंदर हैं? हाँ अंदर ही हैं। क्या काम है आपको? मैं नौकरी के लिए आई थी। अरे सामने से नहीं, पिछली तरफ से चलेंगे, जरा तेज। क्या नाम है आपका? मीना। जाइए अंदर। जी नमस्ते, मेरा नाम मीना है, आपने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, मैंने नौकरी के लिए अर्जी दी थी। मैं टाइप वगैरह तो नहीं जानती, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सीख जाऊंगी। मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ, आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। सेठ जी आप बोलते क्यों नहीं, जवाब तो दीजिए। सेठ जी क्या बात है, आपको कुछ तकलीफ है? सेठ जी सेठ जी, अरे क्या हो गया?
कहीं तो घर जाओ मार ना लग जाए। वो लड़की कहाँ है? उसी ने खून किया। पकड़ो, 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 पकड़ो। अरे ये बटवा उसी कहाँ है? भाई, तुम्हें पकड़ने को आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ छुप जाओ। चलो, चलो। मैं बेकसूर हूँ, भगवान जानता मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हम तो मानते हैं, मगर ये पुलिस नहीं मानेगी। मुझे बताइए, आप भले लोग मालूम होते हैं, एक बेसहारा लड़की को बचाइए। इसकी मदद करना ही पड़ेगी मोहन बाबू, अब फांसी लगवाओगे? अरे यार मेरी बात तो सुनो, मैं इस बेवकूफ को समझाता हूँ। बहन इधर आ। क्या इरादे हैं उस्ताद? अरे लड़की शक्ल से कोई राजकुमारी मालूम पड़ती है, अगर ये हमारी साथी बन जाए तो बस अपनी चांदी है। मगर ये हमारा साथ देगी? ओ यूलू, इसको पता ही नहीं चलने देंगे। इसकी शक्ल और शराफत के रूप से राजे बनकर रहेंगे। तरकीब मैंने सोच ली है, आओ। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से माना है बेरहम, मगर बहन तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर कैसे? मेरा ख्याल है कि जब तक असल मुजरिम का पता ना चल जाए तुम्हें छुपा रहना चाहिए। कैसे? ये हमारा जिम्मा है, आज से तुम हमारी बहन और हम तुम्हारे भाई। वो देखो उस सामने दीवार, ये बांध के निकल चले। आओ चलो चलो। रास्ता साफ है। वेरी गुड, अब निकलो। चलो चलो चलो। बस बहन, हमारी तो इतनी सी कहानी है, ये तो समझो कि बिजनेस में घाटे की वजह से अपना ये हाल हुआ है, वरना हम तो आलीशान मकानों में रहने वाले थे। क्यों भाई मिस्टर मोहन? ओह वेरी गुड, अभी अभी जिस मकान में 6 महीने काटे हैं उसके दरवाजे इतने बड़े और मजबूत थे कि किसी जेल के भी क्या होंगे। हाँ, उस बिल्डिंग से जेल का भी धोखा हो सकता था। अच्छा मीना बहन, अब तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर बार कहाँ? मेरा घर बार कहाँ भाई साहब, मैं तो बेसहारा बेघर हूँ। हाँ, एक वक्त था मेरा भी घर था, और वो कोई मामूली घर ना था। ये कई साल की बात है, जब मैं 8 बरस की थी, हम क्वेटा में रहते। बेटी मीना आओ ना, ये केक काट के अपनी सहेलियों को बांटो। अपने पापा को भी तो बुलाओ। आओ जी आओ। हाँ काटो बेटा, बुक मारकर बुझा दो बेटा। शाबाश शाबाश, आप केक काटें। तुम्हारी सहेलियों को बांध दे। आओ बच्चों, भाग के आओ, जल्दी लो, तुम भी लो। मेरी आज तक की आप भी थी, और आज जो कुछ हुआ वो तो आप जानते ही हैं। किस्मत को यही मंजूर था कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगे, अब तो मैं आप ही के सहारे हूँ। तुम्हें क्या हुआ? इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर किसे रोना ना आएगा। ये तो ठीक कहते हो दोस्त, आंसू तो शायद एक मेरा भी निकल आया। आज शाम का ताजा पर्चा, संतनी खैर खबर, आज शाम का ताजा पर्चा। गर्मा गर्म लीजिए बाबू। पैसे बाबू जी? पैसे कैसे, हम तो सालाना ग्राहक हैं। है? सालाना? आज सुबह 10 बजे सेठ रामदास अपने दफ्तर में कत्ल पाए गए। कत्ल का पता चलने से कुछ पहले एक नौजवान खूबसूरत लड़की उनसे मिलने आई थी, चपरासी का बयान। चपरासी को देखते ही लड़की भाग गई। उसका बटुआ सेठ की मेज पर रह गया,
जो कि पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। पुलिस लड़की की तलाश में है। अब क्या होगा? जल्दी से कुछ सोचिए, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। हम पकड़े जाएंगे। अरे हम नहीं बुद्धू, ये वेरी गुड। खैर कुछ सोचने भी दिया कर। सोच लिया। गुड। मिस मीना, आज से आप राजकुमारी चंपतपुर और हम दोनों आपके सेक्रेटरी। क्या मतलब? अजी मतलब ये कि आप तो भेस बदल कर बन जाइए राजकुमारी और हम दोनों राजपूती चाल ढाल के बन जाएंगे सेक्रेटरी। फिर क्या मजाल है जो कोई पहचान जाए। स्कीम तो बुरी नहीं मिस्टर सोन, मगर ये चाल ढाल बनेगी कैसे? ये कपड़े वगैरह कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? अरे ऐसा कुछ मैं ही सोचा जाऊँ, कुछ तू भी तो सोचा कर। लो फिर आज हमने भी सोच लिया। ये मीना बहन के गले और हाथों का जेवर बेच कर कपड़े बनवाएंगे, है मीना बहन? मगर ये तो झूठा है। और ये गले का हार? नहीं, ये तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इससे जुदा नहीं हो सकती। देख लीजिए, एक तरफ माँ की निशानी है तो दूसरी तरफ फांसी का निशाना है। फांसी में दर्द बहुत होता है। बहुत ही होता है। मगर ये कैसे दे दूं? अच्छा तो मैं बतलाता हूँ, इसे गिरवी रख देते हैं, बेचते नहीं, बाद में छुड़ा लेंगे। वेरी गुड। मगर आप वादा करते हैं कि ये वापस मिल जाएगा? अजी ये छोड़ के और चीजें वापस दिला देंगे, क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर सोहन। तो लाइए। नमस्ते। मैनेजर साहब, आप राजकुमारी चंपतपुर हैं। हुजूर की इतला पाते ही मैंने आपके लिए होटल के सबसे अच्छे कमरे बुक कर दिए। ओह वेरी गुड वेरी गुड। सरकार का यहाँ आना हमारी खुशनसीबी है। सरकार? क्या यहाँ सरकारी आदमी भी रहते हैं? इनका मतलब है कि दूसरी सरकारें यानी कि और राजे रानियां भी यहाँ रहते हैं। जी अभी तो अजी, बस आप ही अभी सरकार है और सरकार तो यहाँ कोई नहीं है। मैं सरकार? जी हाँ आप सरकार, यानी हजूर मोतीचूर फैजगंजूर। मैं सरकार। ये हमारे भी खुश नसीबी है मैनेजर साहब। ये आपकी जर्रा नवाजी है। आपकी जबान तो इतनी मीठी और साफ है कि बड़ी बड़ी महारानियों की भी नहीं होती। जबान वो तो मैं रोज साफ करती हूँ, देखिए। देखिए मैनेजर साहब, इसको कहते हैं मजाक। वेरी गुड मजाक। वेरी गुड क्या जी? वेरी वेरी गुड। ऐसा मजाक तो आज तक नहीं देखा। आइए मैं आपको आपके कमरे दिखा दूं। जरा ठाट से चलो। हाँ हाँ, ये राजकुमारी जी की नौकरी में खून पसीना एक हो जाता है। सामान। ओ हाँ सामान अंदर ले आओ। चलो रखो उधर। चलो जल्दी करो जल्दी करो। उधर रखो उधर। हुजूर आप लोगों का सामान तो बिल्कुल नया है। जी हाँ हम राजे भी तो नए हैं। हुजूर क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, मच्छर ने काटा है। अजी हिंदुस्तान में मच्छर भी तो बहुत है। हुजूर एक सूटकेस खुल गया था, उसमें से ईंट गिर गई है। अरे यार टूट तो नहीं गई कहीं, दिखाओ। अजी साहब ये राजकुमारी जी के पुराने महल की ईंट है। महाभारत से भी पुराना महल है साहब। यहाँ पर अजायब घर वालों ने मंगवाई है और एक एक ईंट की कीमत 1,000 रुपया है। 1,000? महल भी तो 1,000 साल पुराना है साहब। अरे साहब महलों की क्या बात है। अच्छा हुजूर मुझे जाने की इजाजत दीजिए और आपको जिस चीज की जरूरत हो फौरन हुक्म कर दीजिएगा। देखिए याद आया, एक चेक कैश करवाना था, अपना अकाउंट तब्दील होकर नहीं आया। कोई बात नहीं, जब जी चाहे ले लीजिएगा। शुक्रिया। हाँ देखिए खाना यहीं भिजवा दीजिए। हुजूर मेरा ख्याल था कि आज आप नीचे ही तशरीफ ले आते क्योंकि आज लंच के साथ एक खास प्रोग्राम है। वेरी गुड। दरवाजा बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, यानी कि हिंदी में ईश्वर का शुक्र है, बाल बाल बचे। शुक्र तो ये है बाकी सूटकेस नहीं देखे, वरना उनमें भी महलों की ईंटों के सिवाय कुछ नहीं था। तुम लंच की फिक्र करो, लंच की। वेरी गुड। हाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जादूगरों के शहंशाह गोगिया पाशा और उनके बोलते चालते पुतले पादे खान से शुरू होगा। गोगिया पाशा।
गिले 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 तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम पाटे खान। पाटे खान, पाटे खान। ये बताओ पाटे खान, तुम्हारा हाल क्या है? हाल तो बुरा है। हाल बुरा है? कोई मकान वगैरह रहने को मिल गया है कि नहीं? आजकल खुदा मिल जाता है लेकिन मकान नहीं मिलता। ये बताओ तुम्हारी बीवियों का क्या हाल है? एक तो मर गई है, पता ने वादा किया है। दो ने वादा किया है? हाँ वादा किया है। शादी और करोगे? शादी शादी, लेकिन लड़की कहाँ है? ये सब लड़की है, कोई सी भी चुन लो। लेकिन मुझे तो ये काले दुपट्टे वाली पसंद है। अरे भाई ये लड़की नहीं है। लड़की नहीं तो क्या लड़का है? नहीं ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या राजकुमारी लड़की नहीं होती? ये बताओ तुम स्कूल में जाते हो? हाँ स्कूल जाता हूँ। कितने सालों से स्कूल जा रहे हो? 6 साल से। तो 6 साल में 6 जमातें पास कर ली होंगी? हाँ मैंने 6 साल एक ही जमात पास कर ली है। ये बताओ तुम हिसाब में कैसे हो? बहुत अच्छा। फर्ज किया तुम 2 आने का शक्कर, 2 आने का घी, 2 आने का आटा लाओ तो कितना हुआ? लड्डू। ये बताओ तुमने हिसाब का पर्चा कैसे किया? सिर्फ 1 सवाल गलत निकला। 1 सवाल गलत निकला? कितने सवाल थे? 10। बाकी 9 सवाल तो ठीक किए हैं ना? बाकी 9 तो मैंने किए नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। पाटे साहिबान, अब आप मिस किरणा से गाना सुनेंगे जिसके बोल हैं दिल्ली से आया भाई टिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू, शिंगू दिल्ली से आया भाई टिंगू। टिंगू था जरा पतला पतला, टिंगू था जरा छोटा छोटा, शिंगू था जरा मोटा मोटा, तीनों थे पक्के यार यार पक्के यार, तीनों थे पक्के यार यार पक्के यार, धोबी दर्जी और लोहार। मारे है डिंग डिंग डिंगू, दिल्ली से आया भाई टिंगू, निकले माल रोड पर मटक मटक कर चलते थे, तीनों निकले माल रोड पर मटक मटक कर चलते थे, आहा हा ओ रामा पाँव पटक कर चलते थे, ओ हो हो आहा हा रामा पाँव पटक कर चलते थे, मटक मटक कर पाँव पटक कर पटक कर। हाथों में डाले हाथ जीते थे साथ साथ, हाथों में डाले हाथ जीते थे साथ साथ, कहते थे ये बात हिंदुस्तान हमारा है, ये सब दुनिया से न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंख का तारा है। दिल्ली से आया भाई टिंगू, दिल्ली से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू, शिंगू दिल्ली से आया भाई टिंगू। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों भाई, मोहन सोहन एंड कंपनी? आप क्या बात है? कुछ नहीं, एक पुराना दोस्त है, तुम ठहरो हम आते हैं। भाई साहब आपसे मिलकर तो बड़ी खुशी होती है। वाह भाई वाह, मिस्टर मोहन एंड सोहन,
भाई इस भेस में तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया। तुम्हारे जेल वाले और इस रूप में कितना फर्क है। ये कौन है? आप हैं राजकुमारी चंपतपुर, हम इनके सेक्रेटरी बन गए हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल रियासतों की नौकरी है। जी हाँ, क्या करें, रियासती काम में पैसा ज्यादा मिलता है। एक बात का ख्याल रखना, कहीं इस नए ठाठ में कानून को ना भूल जाना, वो बेचारा तुम्हें बहुत याद करता रहता है। अजी इसकी फिक्र ना कीजिए, वी लव कानून। क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर मोहन। अच्छा ख्याल रहे, खुदा ख्याल करे। एक कौन था ये आपका दोस्त? ओह माय वेरी गुड, पक्का फ्रेंड। अजी बेचारा एक रेफ्यूजी था, कहता था राजकुमारी जी से सिफारिश करके नौकरी दिलवा दो। अच्छा तुम अपने कमरे में चलो, हम मैनेजर से एक बात करके आते हैं। क्यों जी, मैनेजर साहब कहाँ हैं? आते ही होंगे, आप जरा ठहरिए। आइए मैनेजर साहब, मिजाज कैसे हैं? यहाँ तशरीफ लाइए ना जरा। शुक्रिया, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? सिर्फ यही 2000 रुपए की। जी हाँ, ये 2000 का चेक कैश करवाना है। हाँ हाँ लाइए। थैंक यू। कौन है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए जी, फरमाइए जी। मैं जिस बारे में आपसे मिलने के लिए। जी हाँ, वो मुझे मतलब ये कि हमें मालूम है, हमें अफसोस है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मदद? जी हाँ, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सुनिए तो जी, हमारे सेक्रेटरी साहबान ने आपकी सिफारिश की थी, मगर हम मजबूर हैं, आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। मुझे नौकरी? ओहो समझा, तो आपको ये चकमा दिया गया है। मैं आपको मुल्क के दो मशहूर धोखेबाजों से बचाना चाहता हूँ। कौन धोखेबाज? आपके सेक्रेटरी मिस्टर मोहन सोहन, मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? जी हाँ, और ये मोहन सोहन मुल्क के बहुत बड़े ठग हैं। ये क्या कह रहे हैं आप, वो तो नहायत शरीफ आदमी है। जी वो इतने ही शरीफ हैं जितना मैं बेकार हूँ। ये देखिए इनकी शराफत का सबूत, ये इनकी जेल की तस्वीर है जहां से अभी अभी छूट कर आए हैं। ओह ये तो सचमुच। जी हाँ सचमुच ठग हैं। मैं तो साये की तरह इनके पीछे रहता हूँ, लेकिन कमबख्त इतने चालाक हैं कि दूसरों की आड़ में शिकार खेल जाते हैं। आप इनसे बचकर रहिए वरना पछताना पड़ेगा। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त पर बचा लिया। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। अच्छा नमस्ते। एक हजार और बाकी हजार मैं आपके कमरे में लेकर आता हूं। थैंक यू। 1000 सेफ ले आओ। मेरा हिसाब 50-50। अरे जगह और मौका देख के बात किया कर, मिल जाएंगे। बहुत मौके देखे हैं, लाइए। अच्छा भाई ले, कर देता हूँ 50-50 आज का खर्च। ये ले एक तेरा एक मेरा, ठीक एक ये ले, दो तेरे दो मेरे, ठीक ठीक तीन तेरे और तीन मेरे, ठीक ठीक ले चार तेरे और ये चार मेरे, ठीक ठीक ये ले पांच तेरे और ये पांच मेरे, बस बाकी फिर बांट लेंगे। राजकुमारी जी? अरे भाई अपने कमरे में आराम फरमा रही हूँ। वेरी गुड। राजकुमारी चंपतपुर जी? अरे कहीं सचमुच चंपत तो नहीं होगी? ओ, ये कपड़े अरे वो भाग जा रही है मीना।
सोहन, मिस्टर सोहन। अरे मैनेजर, वेरी गुड, भाग चले। इधर से मीना के पीछे कर, चल। हुजूर, ये सामान? हुजूर वो तो नीचे उतर गए होंगे। हुजूर, क्या जिंदा दिली है, सीधा नाश्ता छोड़ के इधर से उतर गए। वो तो साथ ही भाग रहे हैं मैनेजर साहब। भाग रहे हैं आप? भाग रहे हो हुजूर? अबे हट लंगूर। लंगूर, अरे ये तो सचमुच भाग गए। खैर, माँ भारत की ईंटे तो छोड़ गए। माँ भारत कहाँ, ये तो भट्टे की भी नहीं सरकार। हाँ? मैं लुट गया। ये सिर्फ चार आना, जेंटलमैनों के लिए आठ आना। लड़की अंदर गई है। अंदर गई है, हमारे साथ है भाई, आपके साथ है। आप भी टिकट लीजिए ना। खेल शुरू करो भाई, खेल शुरू करो, पैसा दिएगा इधर। मीना, 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 पकड़ो, पकड़ो। शोर मत करो, चुपचाप यहाँ बैठो। वो लड़की? हाँ हाँ, सब लड़की लड़का इधर है, बैठो। चलो बैठो, खेल अभी शुरू होने वाला है, आगे देखो। लंबी जोरू बड़ी मुसीबत, अरे दिन देखे ना रात। आते जाते करती है नित नखरों की बरसात। अरे मैं हार गया, अरे मैं हार गया, दो नैनों का तीर जिगर के पार गया। अरे मैं हार गया, सुबह शाम का नखरा इसका मार गया। हो मैं हार गया। छोटा कॉलम बड़ी मुसीबत लड़ता है दिन रात। छोटा कॉलम बड़ी मुसीबत लड़ता है दिन रात। फूट गए हैं फोकरे, फूट गए हैं फोकरे, जो दिया हाथ में हाथ, जो दिया हाथ में हाथ। अरे मैं हार गई, अरे मैं हार गई, बालेपन में दिल पे चल तलवार गई। अरे मैं हार गई, बिन मर्जे के शादी मुझको मार गई। ओ मैं हार गई। चोरू मेरी इतनी लंबी, ज्यों कोठे की थंबी, नहीं समझे? बल्ली मेरे यार बल्ली। जोरू मेरी इतनी लंबी, ज्यों कोठे की थंबी, तीन थान का लहंगा पहने, तीन थान का लहंगा पहने, फिर भी एड़ी नंगी, हाय फिर भी एड़ी नंगी। अरे मैं हार गया, अरे मैं हार गया, दो नैनों का तीर जिगर के पार गया। अरे मैं हार गया, सुबह शाम का नखरा इसका मार गया। ओ मैं हार गया। पालम बड़ी मुसीबत बोले कड़वे बोल। मेरे बस की बात हो, मेरे बस की बात हो, तो कर दूं बिस्तर गोल। अच्छा, तो कर दूं बिस्तर गोल। अरे मैं हार गई, अरे मैं हार गई, बालेपन में दिल पे चल तलवार गई। अरे मैं हार गई, बिन मर्जी की शादी हमको मार गई। अरे मैं हार गई, ओए बिन मर्जी की शादी हमको मार गई। ओ हाय मार गई। बस बस, एक बारी और बस। ओ मीना, मीना, ओ मीना। ओ मीना, मीना। Thank you.
स्टाफ को क्या मांगता? गुड आफ्टरनून। मांगता मांगता वो टोपी। यस टोपी मांगता। कैसा टोपी? वो अपना मिस साहब के लिए। अच्छा ये देख। मिस साहब के लिए कौन सी? ओ यस 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 ये वेरी गुड टोपी। वेरी गुड। आप दूसरे गार्ड से बात करो, हम खुद पसंद करेगा। थैंक यू। मैं आप भी आती हूँ। गुड गुड। यही तो आई थी? अरे कहाँ आई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इधर ही आई थी। अरे आंखों के अंधे नाम नैन सुख, यहाँ होती तो नजर ना आती। खामखा वक्त जाया कर रहा है, चल यहाँ से अब। चलो यहीं आई थी। अरे नहीं आई यहाँ। क्या है अब? क्या है? इस बुद्ध को देखा? क्या है? देखा है। पहले इसकी आंखें इधर थी। हाँ? अब उधर है। अरे बुद्धू, आंखें घुमाने वाली गुड़िया कभी नहीं देखी? ये उसी तरह का बुद्ध है। इसकी आंखें इधर उधर ऊपर नीचे घूमती रहती है। वो कैसे? अब देखना ऊपर होंगे। हाँ, देखा? अब नीचे। अब उधर। अब इधर। ये तो घूमते रहता है, कला है कला। वेरी गुड मशीन। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे चलेगा नीचे, चल ऊपर। मीना, क्या करता है? ऐसे नहीं करता, छोड़ देगा तो, पागल हो गए तो। सफाई करता। अरे अरे वो मीना, मीना पकड़ो। इधर ही आई थी। इस मोटर वाले ने काम खराब कर दिया, वरना पकड़ लेते। आपने बहुत देर कर दी। देर? मैंने? जी हाँ साहब, आपके बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी इंतजार? जी हाँ आपके। चलिए आइए ना। नहीं सेक्रेटरी आ गए हैं सर। अच्छा अब आइए आप, आपको तो 10 बजे आना चाहिए था। 10 बजे? जी हाँ। अच्छा खैर बैठिए, मैं साहब को इत्तला किए देता हूँ। बैठिए ना जी। वो सेक्रेटरी की नौकरी के लिए लड़की बाहर आई है। आ गई? चलो शुक्र, सेक्रेटरी के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता। ये कितनी तनख्वाह है मैं इसको जरूर रख लूंगा। आजकल मकान नौकर सेक्रेटरी कुछ नहीं मिलते, लड़की को फौरन भेज दो। बहुत बेहतर। कहाँ चली आप? जी मैं। साहब अंदर बुलाते हैं। साहब? कौन साहब? मैनेजर साहब, और कौन? जाइए ना अंदर। कम इन कम इन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा। इधर आओ और आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मीना। मीना, बिल्कुल फिल्म स्टारों जैसा नाम है। बैठ जाओ। जी मैं? घबराओ मत, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। शॉर्ट हैंड तो आती है? जी शॉर्ट हैंड। हेलो बिमला, कहो भाई कैसी हो? कैसी हूँ? तुम्हारी बला से एक हफ्ता हुआ, तुमने हाल भी ना पूछा। अब भी तो तुम्हारी मंगेतर हूँ ना, शादी के बाद तो शायद महीनों नजर ना आओगे। बिमला मैं माफी चाहता हूँ। बैठ जाओ जी। सेक्रेटरी न होने की वजह से इस हफ्ते में जरा ज्यादा काम था। यानी कि काम जरूरी है, हम जरूरी नहीं? काम भी तो तुम्हारा ही करता हूँ। तुम्हारे पिताजी को खुश न किया तो शादी कैसे होगी? कंपनी के मालिक की लड़की से शादी करना कुछ आसान काम नहीं है। हाँ मगर कंपनी के मालिक की लड़की से शादी करना घाटे का सौदा तो नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मिलोगे कब? बस आज ही, अभी एक दोस्त ने सेक्रेटरी भेजी है, सामने बैठी, अब जरा काम से फुर्सत मिलेगी। ओ शक्ल की कैसी है? देखता हूँ। ठीक है तब तो जरूर रख लोगे। तुम्हारा नाम विमला नहीं ईर्षा होना चाहिए था। अच्छा भाई तो शाम को मिलेंगे। जी शाम तक आपका इतबार नहीं, मैं अभी आपके दफ्तर पहुंचती हूँ, जरा सैर के चलेंगे। हाँ नहीं नहीं विमला, इस वक्त तो मुझे जरा काम है। कंपनी के मालिक की लड़की को सैर कराना भी तो काम है। मैनेजर साहब मैं तो आ रही हूँ। बेटी किससे बात कर रही हो? पिताजी उनसे।
उनसे? हो यानी कि रंजीत, ठहरो मुझे भी बात करनी है उससे। सुनो डार्लिंग। डार्लिंग रंजीत, मैं बोल रहा हूं, यानी कि राय साहब शंकर दास। ओ राय साहब, माफ कीजिएगा, मैं समझा कि भाई वो दिल्ली वाली कंपनी को टेंडर भेजा है या नहीं। जी हाँ, वो तो भेज दिया है, लेकिन सुना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बहुत से ठेकेदार लगे हुए हैं। भाई वो काम हमें जरूर मिलना चाहिए। जी कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। आप दफ्तर आना कब से शुरू करेंगे? अभी डॉक्टरों ने कुछ रोज और आराम करने को कहा है, यानी कि काम से घबराए तो नहीं। भाई बिमला और तुम्हारी शादी के बाद दफ्तर तुम्हें ही संभालना होगा। मैं तो बूढ़ा हो चला हूं ना। हाँ अच्छा, नमस्ते। तो तुम्हारा नाम मीना है? अच्छा तो लो अभी से काम शुरू कर दो। 200 रुपए माहवार तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। 200? मगर 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 कुछ नहीं, बैठ जाओ। मैं जानता हूँ महंगाई का जमाना है, 25 रुपए तुम्हें अलाउंस और दे दिया जाएगा। मगर साहब। फिर वही अगर मगर, काम देखने के बाद 250 रुपए कर दिए जाएंगे। अब तो खुश हो? ये लो कागज और ये लो पेंसिल, एक शॉर्ट हैंड में खत लिखो। लिखवाइए। लिखो, सेठ श्याम सुंदर, 5 नंबर कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। जी जरा आहिस्ता बोलिए, मुझे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस जरा कम है। कोई बात नहीं, देखिए नंबर 5 कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। नमस्ते। नमस्ते। आपको नमस्ते नहीं किया मैंने, सेठ जी को नमस्ते लिखिए। आपका तार मिला, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैसला करने के लिए अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं। लिख लिया? जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। जी नमस्ते, आपका तार मिला। फिर पढ़िए ना क्या लिखा है। हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैसला करने के लिए अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा शॉर्ट हैंड लिखती, अब इसे टाइप कर लीजिए। जी टाइप। हाँ हाँ वो रखा है सामने, जाइए। मियां बिरला को तुमसे हसद ना हो जाए। बहुत जल्दी पहुंच गए बिरला, तो बैठो। ये कौन है? ये मेरी नई सेक्रेटरी मिस मीना। ओह, तो ये है तुम्हारी नई सेक्रेटरी। अच्छी है, बड़ी चुनकर रखी है। कहीं पहले काम किया है? जी हाँ, पोपटलाल टोपन मल के यहाँ। तो वहां से निकाल दी गई थी? जी नहीं, मैं खुद ही छोड़कर चली आई। बड़ी तजुर्बेकार मालूम होती हो। इसकी मेज बाहर क्यों नहीं लगाते? कमरा कुछ छोटा सा मालूम होता है और आप भी बड़े आराम से बाहर बैठ सकेंगे। मिस मीना, ये मेरी मंगेतर है मिस बिमला और मेरे मालिक की लड़की भी है, इसीलिए कभी अफसराना बातें करती हैं। लेक्चरार साहब, अब चलोगे भी? चलिए सरकार। देखो ये लेटर टाइप करके खुद ही दस्तखत कर देना, और ये चाबी है, कल सुबह जरा जल्दी आके ये सब कागजात ठीक कर देना। बहुत अच्छा, ध्यान काम में रखना। ध्यान जरा काम में रखना। मैनेजर साहब। नकल तो खूब करती हो, क्या तुम ही नहीं सेक्रेटरी हो? जी। घबराओ नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये मिस बिमला है ही ऐसी। रंजीत साहब। अगर तुम पक्की नौकरी चाहती हो तो अपनी मेज रंजीत से दूर ही रखो। क्यों? ये सब तो बिमला से ही पूछो। Thank you.
शादी के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुश्किल तो शादी से पहले काबू में करने की है। हम आजाद ही कब थे जो काबू में करने की जरूरत पड़ी। हम तो बकौल शख्स के आपके नहीं बल्कि आपके बाप तक के नौकर। जगह बुरी नहीं, बहुत खूबसूरत है। काश यहाँ रोज आ सकते, कल भी आएंगे। कल नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है। पल भर के लिए आ जाना हमारी खातिर। कल बहुत मुश्किल। आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए, हाय लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। दिले बेताब को आकर जरा समझा जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए आ जाए। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा। हाँ हाँ यकीन आने लगा। फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। हाँ फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें। यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें। हाँ हाँ तमाशा देखें। फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाएं। हाय फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाएं। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस मीना आई? मैंने तो आते ही नहीं देखा। ये क्या मुसीबत मिस मीना? मिस मीना, मिस मीना, सुबह हो गई। आप? जी मैं। इसका क्या मतलब है, ये मेज पे क्यों सो रही हो तुम? तो और कहां सोती, यहाँ पलंग तो है नहीं। पलंग? कौन से दफ्तर में पलंग होते? कोई बात नहीं, नींद अच्छी आई। नींद अच्छी आई? किस किस्म की लड़की हो तुम, काम क्या करोगी? खास तो क्या मेज पर सोने वाले काम नहीं कर सकते? जवाब मत दो, किस किस्म की सेक्रेटरी हो तुम? मैं तो अच्छी बली हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो चली जाती। नहीं नहीं बाबा, मैंने ये थोड़ी कहा है। मैं तो ये पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्यों सोई, घर जाकर क्यों नहीं सोई? घर कैसे जाती, आधी रात तक तो यहाँ काम करती रही। ओ तो ये बात थी, पहले से क्यों नहीं कहा? चलो बिस्तर से नीचे उतरो, चलो। यानी कि ये क्या बात है, यानी कि ये क्या है? ये नई सेक्रेटरी रखी। यानी कि मेज पर क्यों रखी? बात यह राय साहब, सारी रात बेचारी ने काम किया तो यहीं सो गई थी। राय साहब कंपनी के मालिक? जी कंपनी के मालिक। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। माफ कीजिए मैं जरा। बूट। अजीब लड़की है। जी हाँ बिल्कुल अजीब है, तशरीफ रखिए ना। बेटा मैं तो सोचता हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। माफ कीजिएगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी और बिमला की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ मगर वो दिल्ली के बिजनेस का क्या हुआ? जी मैंने सेठ श्याम सुंदर को लिख दिया है कि हम अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं।
बैठ जाओ। मेरा ख्याल है कि दिल्ली तो तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए और आज ही चले जाओ, यानी कि जितनी जल्दी ये काम मिले उतना ही अच्छा है। जो हुक्म, मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ और तुम्हारे लौटते तक मैं शादी का इंतजाम भी कर लूंगा, ठीक है ना? जी। तो मैं चलता हूँ। तो घर आओगे ना? जी हाँ, मैं अभी आता हूँ। सेक्रेटरी साहब, अब के नींद आए तो अलमारी पे ना सो जाना, यानी कि। जी नहीं। मिस मीना, आज शाम की गाड़ी से 2 सीट दिल्ली के लिए रिजर्व करा दो, एक अपने लिए एक मेरे लिए, और वहां किसी होटल को तार दे दो कि हमारे लिए 2 कमरे रखे। जी, क्या मुझे भी दिल्ली जाना होगा? बिल्कुल, और वो तार देना ना भूल जाना, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। अच्छा, तो आज छुट्टी दे दीजिए ताकि कुछ सफर की तैयारी कर लूं। अरे दिल्ली का सफर है, कुछ विलायत का सफर नहीं है। आज दफ्तर का काम तुम्हारा जिम्मा है, मुझे जरा बिमला से मिलने जाना है। जी, कुछ पैसे मिलेंगे? पैसे कैसे? जी थोड़ा सा एडवांस, ताकि कुछ चीजें और कपड़े खरीद लूं। इन कपड़ों में क्या खराबी? कल नौकरी और आज एडवांस, ये सब दिल्ली में देखा जाएगा। आप तो लारा लप्पा लगाते हैं। लारा लप्पा? जी, अड्डी टप्पा। ये लारा लप्पा और अड्डी टप्पा क्या जबान है? पंजाबी। लारे लप्पे का मतलब है टाल मटोल, और अड्डी टप्पे को? अड्डी टप्पे खाम खास झगड़ा करना। तो यूं ही समझ लो, मगर एडवांस नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर देखा जाएगा। बिमला से मिलने पैसे मांगे तो? लारे लप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापूजी की पाती राली, बापूजी की पाती राली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए, ओ बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, ओ बाबूजी समझ ना आए रे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं, लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, 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 लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, पाड़ी टपलाई रखदा।
आजकल के जेंटलमैन, आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे, लारा लपा लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा अड्डी टपा लाई रखदा, लारा लपा लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा अड्डी टपा लाई रखदा। आजकल की नारियां, आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां, बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, लारा लपा लारा लपा लाई रख दी, अड्डी टपा लाई रख दी, लारा लपा लारा लपा लाई रख दा, अड्डी टपा अड्डी टपा लाई रख दा, हो देख कर झूठे लारे, हो देख कर झूठे लारे, फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे, लारा लपा लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा अड्डी टपा लाई रखदा, लारा लपा लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा अड्डी टपा लाई रखदा। आप अंदर जाके कमरों का पता लगाइए, मैं टैक्सी का किराया दे के आता हूँ। कितने पैसे हुए सदाजी? 9 रुपए साहब। ये लीजिए 100 का नोट। मिस चक्रम, तुम चक्कर ही लगाती रहोगी, अंदर भी जाओगी। ये दरवाजा है अजीब चक्रम। साहिबान, होटल में कोई कमरा खाली नहीं है, मेहरबानी करके जिनके कमरे बुक है वही ठहरिए, बाकी तशरीफ ले जाइए। शहर के सब होटल छान मारे मगर कहीं जगह नहीं मिली। साहब मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अच्छा, आपका नाम साहब? मनोहर लाल। हाँ साहब, आपका कमरा है, लीजिए साइन कीजिए। थैंक यू। कमरा नंबर 20। यस मैडम। मैंने कमरा बुक करने के लिए तार दी थी, मिस्टर रंजीत और मिस मीना। मिस्टर रंजीत जी? हाँ, आपका कमरा बुक है, कमरा नंबर 1417, लीजिए दस्तखत कीजिए। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद, कैसा उल्लू बनाया, यही तो मजा था भाई। हेलो भाई साहब। हेलो, आप दिल्ली में कैसे आए? मैं माचिस कंपनी के मैनेजर हो गया हूँ। माचिस कंपनी के मैनेजर जी? तब तो आपके पास सिगरेट के लिए माचिस जरूर होगी। लाइए तो। और माचिस के लिए सिगरेट? जी हाँ लीजिए। थैंक यू जी। आप माचिस गीली रखते हैं हमेशा? देखिए ना। शुक्रिया। अरे ये क्या हो गया? थैंक यू। मुझे कमरे नहीं चाहिए। क्यों? हमें ये होटल नहीं पसंद। होटल नहीं पसंद? वाह, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती और इनको होटल नहीं पसंद। ठहरिए, इनके पास कमरे नहीं है। क्या मतलब? तुमने तार नहीं दिया था? तार तो दिया था मगर इनके पास जगह ही नहीं है। जगह नहीं है, ये क्या मुसीबत है? मैं खुद मैनेजर से बात। सुनिए, यहाँ वक्त जाया करने से क्या फायदा, चलिए कहीं और कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारा कसूर है, कैसे काम करती हो तुम? मैंने क्या किया? तुमने किया है मेरा सर। सारे शहर के होटल छान मारे, रहने को जगह नहीं, जनरल मैनेजर साहब कंपनी वाला की हवा खा रहे हैं, हद हो गई। मैं तो थक गई हूँ, यहाँ 2 मिनट आराम करूंगी। अब तो बेंचों पे आराम करना होगा।
दो मिनट क्या, आप तो दो दिन आराम कीजिए। न जाने सारी दुनिया को क्या हो गया है, इतने बड़े शहर में सर छुपाने तक के लिए जगह नहीं, और ये सब तुम्हारा कसूर है। न जाने किसी होटल को तार दिया था कि नहीं दिया था। आप तो सुबह से मुझे कोस रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्ही को नहीं, अपनी किस्मत को भी कोस रहा हूं। इस मुसीबत में तुम्ही ने तो मुझे फंसाया है, अब रोती क्यों हो? अच्छी बात है, रो तुम, मैं तो सोता हूं। बाप रे, अब क्या होगा? ये बेंच के नीचे घुस गए। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। अच्छा, आप तो इंसान बनकर भीगते रहिए, मैं जानवर बनने लगी। जानवर बनना ही पड़ेगा। अब जरा जान में जान आई। देखो जी, मुझे तो शाम सुंदर सेठ से मिलने जाना है, और तुम्हारा काम है रहने की जगह ढूंढना। मगर मैं कहां ढूंढूं? मैं नहीं जानता कहां ढूंढूं। मेरी वापसी तक रहने का इंतजाम होना चाहिए, चाहे किसी के यहां बर्तन भी धोना पड़े, और नहीं हुआ तो बस। और सुनो, शाम को 4 बजे मुझे यहीं मिलना तुम। जरूरत है, अच्छी रहश, कोठी नंबर 5, कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। नमस्ते, ये बंगला आप ही का है ना? जी हाँ, आइए 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 ना, बैठिए। शुक्र है आप मिलने के लिए आई, वरना आजकल के पड़ोसी तो बात ही नहीं करते। चाय पीजिए, बैठिए ना। शायद आप साथ वाले बंगले में रहती हैं? जी नहीं, मैं तो काम के लिए आई हूँ। लीजिए। जी नहीं। लीजिए ना, कहिए क्या काम है। जी काम तो आप ही का है, मैं करने आई हूँ। मेरा काम? जी हाँ, अखबार में नौकरों के लिए इश्तहार था। ओह हाँ, अजी क्या बताऊँ, नौकर की बहुत ही मुश्किल है। 2 महीने से नौकर की तलाश है, मगर कोई मिलता ही नहीं। लड़ाई की वजह से सब नौकर गायब हो गए हैं। क्या आप कोई नौकर दिला सकती हैं? जी हाँ, मैं। अगर आप कोई नौकर दिला दें तो आपका बहुत ही एहसान होगा, हम उसे मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। जी इसकी तो कोई बात नहीं, जितनी रहाइश की है। बेशक, हमारी तो इतनी बड़ी कोठी है, हम एक कमरा नौकर को दे देंगे। लेकिन नौकर एक नहीं, 2 है, एक आदमी और एक औरत। अच्छा, मियाँ भी? बस हमें भी ऐसे ही जोड़े की जरूरत है, औरत खाना पकाने को और आदमी खिलाने को। हाँ, उनके बच्चे तो नहीं है? जी नहीं। तो अभी अभी ब्याह हुआ होगा, इसीलिए रिहायश अच्छी मांगते हैं। कहाँ है ये नौकर, आप उन्हें भेज दीजिए ना। जी एक तो मैं हूँ। आप? यानी तुम नौकर हो? तुम तो बड़ी फैशनेबल हो। जी हूँ तो फैशनेबल, पर हालत जरा खस्ता है, बस आगे कुछ ना पूछिए। अजीब बात है, मैं तो समझी थी कि खैर मुझे इससे क्या गरज, मुझे तो नौकर से मतलब है। अच्छा तो तुम्हारा घर वाला कहाँ है? जी वो भी काम की तलाश में गए हैं, हम शाम को दोनों यहाँ आ जाएंगे। मगर एक अर्ज है। तनख्वाह की फिक्र मत करो, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे।
जी ये बात नहीं, बात यह है कि वो आज तक अंग्रेजों के यहाँ काम करते आए हैं, इसलिए रहाइश का कमरा जरा अच्छा होना चाहिए। कमरा फर्स्ट क्लास देंगे, बस तुम दोनों आ जाओ शाम को। जी हाँ जरूर आ जाएंगे। जी एक बात और है। कहो। जी वो मेरा मतलब है कि मेरे आदमी दिमाग के जरा ढीले हैं, वैसे तो पढ़े लिखे हैं पर कभी कभी अजीब सी बात कर देते हैं। कोई फिक्र नहीं, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीना और उनका नाम रंजीत है। अच्छा जी नमस्ते, शाम को हम आ जाएंगे। हैं क्या कहते हैं शकुंतला, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं तो नौकर के बगैर तंग आ गया, घर में कोई चीज मिलती ही नहीं। और ये हाथ में छड़ी नहीं तो और क्या है? हाथ में? हाथ ही में तो है, अच्छा हुआ मिल गई, लो मैं चला दफ्तर। मैंने कहा जी नौकर भी मिल गए। सच? हाँ एक छोड़ दो मियाँ बीवी, मगर नौकर क्या है, बिल्कुल मेम साहब, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की है उन्होंने। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अब ध्यान रखना कहीं निकल ना जाए। क्या कहते हैं आजकल नौकर भी तो खातिर तवाज़ो चाहते हैं, और फिर ये तो अंग्रेजी है, क्या कहते हैं? अब बैठ क्यों गए, जाओ ना दफ्तर। लो मैं दफ्तर जाना ही भूल गया, क्या कहते हैं? किसी रोज दफ्तर से आना ना भूल जाना। सेठ श्याम सुंदर है? नहीं साहब अभी आते हैं, आप लाइन में बैठिए। लाइन तो बहुत लंबी है, अपनी बारी आएगी। मिस्टर सचदेव। यस मिस्टर धर्मचंद। मेरा ख्याल है कि हम अपनी जगह इन भाई साहब को दे दें, हमें तो सेठ जी से मिलने की ख्वाहिश जल्दी है नहीं। वेरी गुड, देखिए साहब आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम सेठ जी को बाद में मिलेंगे। जी आइए ना, अजी साहब आप पहले पहले मिल लीजिए। आइए आइए। शुक्रिया। बड़े अच्छे लोग हैं साहब। जी हाँ बहुत भले आदमी। क्यों साहब आपकी फर्म का नाम क्या है? हमारी फर्म का सचदेव धर्मचंद एंड को, और लोगों की सेवा करना तो हमारा धर्म है जी। साहब आप कैसे आए? जी मैं यहाँ सेठ श्याम सुंदर से मिलने आया था। यहाँ? अजी आप यहाँ कहाँ हैं? मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं जी आप यहाँ नहीं हैं। मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर कहाँ हूँ? अजी साहब मैं साबित कर सकता हूँ आप यहाँ नहीं हैं। मगर साहब ये साबित हो कैसे सकता है कि मैं यहाँ नहीं? अजी मैं साबित कर सकता हूँ, लगा लीजिए शर्त। हो गई साहब। लगी 100-100 रुपए की? 100 रुपए नहीं साहब, आप रोएंगे बाद में, 10-10 लगाइए। अच्छा फिलहाल 10-10 से ही। हाँ जी देखिए मैं भी ये साबित करता हूँ कि आप यहाँ नहीं हैं। जी हाँ कीजिए। हाँ बताइए साहब आप इस वक्त मुंबई में तो नहीं हैं? जी नहीं। आप इस वक्त लाहौर में भी तो नहीं हैं? जी नहीं। नहीं अच्छा तो आप इस वक्त ना मुंबई में हैं ना लाहौर में हैं, तो कहीं और हैं? जी हाँ कहीं और। जब आप कहीं और हैं तो यहाँ नहीं हो सकते। अरे साहब ये तो बिल्कुल आपने जादू कर दिया, मेरे पैसे भी गायब कर दिए और मुझे भी बिल्कुल गायब कर दिया। साहब ऐसे ही होगा, जमाना ही ऐसा है। हाँ देखिए आप अपना खोया हुआ माल दोबारा कमाना चाहते हैं ना, दुगना तो कमा सकते हैं। कैसे? आप इनसे यही शर्त लगा दीजिए, मैं फंसाता हूँ इन्हें। देखिए साहब। जी ये भाई साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बहुत बेहतर, तुम इधर आ जाओ भाई। फरमाइए साहब क्या हुक्म है? सुनाइए साहब आपका आना कैसे हुआ? जी बस मैं यहाँ सेठ श्याम सुंदर से मिलने आया हूँ। यहाँ? जी आप यहाँ कहाँ हैं? यहाँ कहाँ हूँ? यहाँ तो हूँ साहब। अरे साहब यहाँ आप नहीं है? साहब यहाँ नहीं तो क्या जहन्नम में हूँ? साहब ये तो मैं नहीं जानता, मगर आप यहाँ नहीं है मैं साबित कर सकता हूँ। आप साबित कर सकते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ? जी वहाँ साहब ये कैसे साबित हो सकता है? आप शर्त लगा लीजिए साहब, अभी साबित करता हूँ। अच्छा हाँ लगा लीजिए, 100-100 की? नहीं साहब 10 की होगी। अच्छा चलो 10 ही सही, ये लीजिए कीजिए साबित। हाँ साहब इस वक्त आप कलकत्ते में तो नहीं है? नहीं। लाहौर में है? जी नहीं। आप इस वक्त ना कलकत्ते में ना लाहौर में, तो आप कहीं और हैं? जी हाँ कहीं और हूँ। जब आप कहीं और हैं तो यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। मगर साहब आपने ये पैसे क्यों ले लिए? किसने लिए साहब? अरे साहब आपने। अरे साहब शर्त मैं जीता हूँ, मैंने साबित किया है कि आप यहाँ नहीं है। अरे भाई साहब आपने साबित कर दिया ना मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो आपके रुपये कैसे ले सकता हूँ? अरे आवर सलाम साहब। चलिए साहब आप पहले। अजी साहब लाइन तो इधर से शुरू होती है। वाह साहब वाह, हम सुबह से बैठे हुए लाइन इधर से शुरू होती है। लो हाँ साहब। सचदेव जी आप ही फैसला कर दीजिए। जी हाँ लाइन उधर से शुरू होती है। वाह साहब ये कैसे हो सकता है, चपरासी से पूछ लीजिए। जी हाँ बेशक,
लाइन तो उधर से है साहब। जी बिल्कुल, खामखा साहब, खामखा के बंगा। चलिए मिस्टर सजदे, चलिए। टुटलोटो। वाह साहब वाह, बिल्कुल सच देव धर्मचंद एंड कंपनी, लोगों की सेवा करना इनका धर्म। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या कहते हैं आपका नाम? जी मुझे सेठ सचदेव कहते हैं। और जी मुझे सेठ धर्मचंद। अच्छा अच्छा, तो आप सचदेव धर्मचंद कंपनी के मालिक हैं। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। मैं समझ गया, सोल प्रोप्राइटर। आपकी चिट्ठी आई हुई है। जी लिखी थी। क्या कहते हैं आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी मालूम होती है। बस जी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है जी, हमारा तो सूल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपकी चिट्ठी से पता चलता है कि दिल्ली की कई मशहूर इमारतें आपकी कंपनी की बनाई हुई है। जी हाँ, कुतुब साहब की लाट तो हमारी कंपनी ने। कुतुब साहब की लाट? जी इनका मतलब है कि कुतुब साहब की लाट की मरम्मत का काम हमारी कंपनी के मरम्मत। क्या कहते हैं, वेरी गुड, थैंक यू। जब तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलना चाहिए। जी आपकी अनायत है। अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दे देंगे। शुक्रिया, वेरी गुड वेरी गुड। इस सिलसिले में अगर कुछ थोड़ा सा एडवांस मिल जाए तो। जी देखिए, कारोबार बहुत फैला हुआ है और पैसे की जरूरत रहती है। हाँ हाँ, एडवांस तो दे देंगे, मगर इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में आप परसों शाम मेरे यहाँ खाना खाइए, वहाँ बातचीत भी मुकम्मल हो जाएगी और एडवांस भी दे देंगे। शुक्रिया। मेरी कोठी नंबर 5 कुतुब रोड। जी वो तो मालूम ही है। अच्छा तो परसों शाम मिलेंगे आप। अच्छा इजाजत दीजिए। अच्छा 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 जी हुजूर, भाई बाकी मुलाकातियों से कह दो कि हम आज किसी से नहीं मिल सकते। आपको तो बहुत ही काम रहता है सेठ साहब। जी हाँ बहुत काम रहता है। बहुत बुरी हुई आज तो। क्या हुआ? होता क्या, तमाम दिन सेठ के दफ्तर के बाहर इंतजार करता रहा, अब 4 रोज और दिल्ली में रहना पड़ेगा। क्यों? आज से तमाम दफ्तरों में 4 रोज की छुट्टी है। कोई जगह मिली? जी हाँ मिल गई। हाँ आज अचानक मेरे चचा और चची मिल गए, उनके पास बहुत बड़ी कोठी है, उन्होंने हमें अपने पास रहने की दावत दी है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके यहाँ नौकर नहीं है। नौकर की तो आजकल हर जगह मुसीबत है, मगर हमें क्या, 2-4 रोज की तो बात ही है, सिर्फ सोने के लिए जगह ही तो चाहिए। लेकिन एक बात और है। क्या? मेरे चचा और चची जरा दिमाग के ढीले हैं, कभी कभी अजीब सी बातें कर देते हैं। कोई बात नहीं है, जरा शुगल ही रहेगा। चलो फिर जल्दी चलें, थक गए हैं, वहां आराम करें। ओ, तुम लोग आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ जी। ये है वो। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए देर हो गई। क्या है? कील निकली हुई है, चुप जाएंगे। बच गए? साफ ही बच गए। अब क्या है? मेरा मतलब है कि अपने कमरे में चल के आराम करेंगे। हाँ भाई अपने कमरे में आराम करो, पहले आराम फिर काम, और हमारे यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा काम भी नहीं होता। काम? कैसा काम? ओ, पहले आराम फिर काम है? काम। ये है तुम्हारा कमरा। कमरा तो बहुत अच्छा है, मीना का कमरा कौन सा है? ओ हाँ, मीना के लिए अलग कमरे की क्या जरूरत है? हाँ रेदा कमरे की क्या जरूरत है वासे? अच्छा अब काम करने से पहले तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। काम क्या मुसीबत है, बड़ी अजीब है तुम्हारी चाची, और दोनों को एक ही कमरे में डाल दिया। कह दिया ना कि ये लोग दिमाग के जरा ढीले हैं। चलो ठीक है, दिन भर तो हम बाहर ही रहेंगे। जी हाँ रात भर मैं बाहर आ लिया करूंगी, मेरा मतलब कि वहां। चलो 2-4 रोज की तो बात ही है, शुक्र है जगह तो मिली, नहीं तो रात को फिर बाग में सोना पड़ता। मैंने कहा आज तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं जरा क्लब चला गया था। क्या कहते हैं नौकर आ गए? हाँ आ गए। आ गए, चलो शुक्र हुआ, आजकल नौकर मिलना तो लॉटरी निकलने के बराबर है, क्या कहते हैं? मगर नौकर क्या है, बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जरा देखो तो।
क्या कहते हैं, तुम तो सारा दिन खाती ही रहती हो जी। जरा हमारे लिए भी तो चाय बनवाओ, मैं नहा के अभी पीता हूँ। तुम्हें तो घर आते ही खाने पीने की पड़ जाती है। बजाओ तो जरा नौकर वाली घंटी। आज पूरे 2 महीने के बाद ये घंटी बजने लगी है। ये क्या, ये घंटी कैसी? शायद हमें चाय पीने को बुलाया है। मगर हम लोग तो मेहमान हैं, नौकर तो नहीं। घंटी तो नौकरों को बुलाने के लिए लगाई जाती है। शायद इन्होंने मेहमानों को बुलाने के लिए लगा रखी हो। बड़े अजीब आदमी है मगर है अच्छे। अच्छा तो मैं आपके लिए यही चाय लेके आती हूँ। अच्छा तो मैं भी जरा मुंह धो लेता हूँ। कौन है अंदर? मैं हूँ रंजीत। रंजीत क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या कहते हैं, ये मेरे गुसलखाने में रंजीत कौन है? वही नया नौकर होगा रंजीत। नौकर और मेरे गुसलखाने में? आहिस्ता बोलो, कह तो दिया कि अंग्रेजी फैशन के नौकर हैं। तो अंग्रेजी फैशन के नौकर क्या मालिक के गुसलखाने में नहाते हैं? तुम तो नौकरों को निकाल कर छोड़ोगे, मुझसे बगैर नौकर के काम नहीं होता। अजीब मुसीबत है। नौकर क्या रखे हैं, क्या कहते हैं, जान साहब में डाल ली है, अब दरवाजा नहीं खुलेगा तो मत। क्या कहते हैं, मेरा कुछ इस्तेमाल कर लिया? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखती हो तुम्हारे नए नौकर ने क्या किया है? अब क्या हुआ? मेरा साबुन तेल तौलिया क्रीम सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है। कह जो दिया कि ये नए फैशन के नौकर हैं। नए फैशन के नौकर हैं, फैशन फैशन भैया। ये चाय किसकी जा रही है? चाय उसी नए नौकर के लिए जा रही है। क्या कहते हैं, चाय भी पहले नौकर के लिए? क्या कहते हैं, नौकर वो है या मैं? ये घर उसका है या मेरा? आहिस्ता बोलो, नौकर क्या कहेंगे? जाओ जाओ। क्या कहेंगे नौकर, क्या जाकर नहाओ। आहिस्ता बोलो, मुसीबत में डाल रखा है परे। लुत्फ आ गया, तुम्हारे चचा चची भी कैसे कमाल के आदमी हैं, कितनी खातिर कर रहे हैं भले लोग मेहमानों की। अब ये काहे की घंटी? शायद खाने का वक्त हो गया है। खाने का वक्त हो गया, अभी चाय और अभी खाना? कह दिया ना, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम कौन हो जी? मैं रंजीत हूँ। रंजीत, वही गुसलखाने वाला? जा। रंजीत, ये गाउन किसका है साहब? ये आप ही का होगा। मेरा? जा, मैं अपना भूल आया। सुनिए, आपकी शक्ल से श्याम सुंदर से मिलती है। तो मैं श्याम सुंदर नहीं तो उसका भूत हूँ क्या? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे कमाल हो गया, बरामदा आओ। जानती हो तुम्हारे चचा कौन है? कौन है? अरे वही सेठ श्याम सुंदर जिनसे मैं ठेका लेने के लिए आया हूँ। तुमने पहले से नाम क्यों नहीं बताया उनका मुझे? सब काम बन गया, अब तुम उनसे जाके कह दो कि हमें ठेका दे दें, हजारों रुपए का फायदा होगा, तुम्हारी भी तरक्की कर दूंगा। क्या बात है, शर्माती हूँ उनसे कहती हुई? मैं खुद कह देता हूँ। सुनिए, ये वो नहीं। अरे वही है बाबा, तुम्हारे चचा सेठ श्याम सुंदर। सेठ होंगे पर चचा नहीं। चचा नहीं तो मामू है? चचा मामू कुछ भी नहीं, वो मालिक है और हम नौकर। नौकर जी? क्या मतलब? आप ही ने तो कहा था कि रहने के लिए जगह ढूंढो, चाहे बर्तन ही धोने पड़े। बर्तन मांगना पड़े? जी, बर्तन धोने के बदले में तो ये कमरा मिला है। तो तुम्हारा मतलब है कि? जी, हम दोनों यहाँ पर नौकर हैं, वरना रहने के लिए जगह कहाँ मिलती। तो ये बात है, तभी सेठ मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। मैं यहाँ नौकर हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर और यहाँ बर्तन धोने पर नौकर हूँ। यू आर डिसमिस्ड, यू आर अभी डिसमिस्ड, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं ठहर सकता।
देखिए जरा सोचिए तो, रात काटेंगे कहाँ? जान लूं मैं, परदेश में लाके मुझे इतना जलील किया तुमने। मैंने तो आपके भले के लिए किया, वरना रहने के लिए जगह कहाँ मिलते? देखो ये झूठे आंसू बहा के बनाने की कोशिश ना करो मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट, आई मीन आई विल गेट आउट। सुनिए तो बारिश, आप वापस आ गए? तुम्हें अकेला छोड़ के जा भी कैसे सकता था? जी बाहर बारिश भी तो हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरी मानिए, दो चार रोज की बात है और यहाँ आराम से गुजार लेंगे, और वैसे रहने को शहर भर में जगह भी तो नहीं मिलती। देखिए आपको नौकर का काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सब मैं कर लूंगी। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मेरी पत्री देखी, सब कमबख्त यही कहते रहे कि राज करोगे, मगर किसी बज़ात ने ये नहीं बताया कि बर्तन भी धोने पड़ेंगे। क्यों भाई, कर लिया आराम? जी हाँ कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अच्छा तो अब दोनों मेरे साथ आओ, थोड़े से बर्तन धोने हैं। चलिए ये तो मामूली सा काम है। जी हाँ, हमारे बाप दादा बर्तन ही धोते आए हैं। फिर तो खूब धोओगे, आओ। जी हाँ खूब धोऊंगा, चलिए। ये मैंने अपने लिए बनवाए थे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तुम पहन लो। बांध दीजिए। और ये थोड़े से बर्तन धोने हैं, ऐसे धोना कि शक्ल नजर आने लगे। थोड़े से, चलिए शुरू कीजिए। शुक्रिया, अब तो सारी उम्र यही काम करना है ना? नहीं भाई, और भी काम है, कपड़े धोना, झाड़ू देना। हाँ, जरा संभाल के, प्लेटें कीमती हैं। आप जाइए, हम ध्यान से साफ करेंगे। बिल्कुल साफ कर दें। चलिए शुरू कीजिए, या बात ही बनाएंगे। क्या शुरू करूं? प्लेटें धोना। प्लेटें धोना। डैडी, डैडी आपको भी उनका कोई खत नहीं आया? रंजीत का? नहीं बेटी, ना मालूम क्या हुआ, दफ्तर में भी उसका कोई खत नहीं आया। यानी कि दिल्ली पहुंचते ही उसको तार देना चाहिए था। तो डैडी आप उन्हें तार देकर पता क्यों नहीं कर लेते? तार तो दिया था बेटा, मगर जिस होटल में कमरे बुक करवाए थे वहां से जवाब आया कि वहां नहीं ठहरा, यानी कि अब कौन जाने कहां है। तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा डैडी? फिक्र ना करो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आखिर उसकी सेक्रेटरी भी तो उसके साथ है, कोई ऐसी वैसी बात होती तो वही इत्तला कर देती। अच्छा तो ये बात है, सेक्रेटरी साहिबा भी साथ गई हैं। मैं तो सोचता हूँ कि आज खुद हवाई जहाज से दिल्ली चला जाऊं, यानी कि वहां मुझे और भी काम है और रंजीत का भी पता चल जाएगा। डैडी मैं भी दिल्ली साथ चलूंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी? दिल्ली की सैर करूंगी डैडी, और कुतुब देखूंगी। तुम जरूर अपनी मनमानी करके रहोगी। तो हो जाऊं तैयार डैडी? जाओ जाओ। मैंने कहा प्लेटें धोने में तो खूब एक्सपर्ट हो गए हो। जी हाँ, ये सब आप ही की मेहरबानी है, वरना बंदा तो एक मामूली सा मैनेजर था। ओहो, आज तो दोनों मियां बीवी की सुलह दिखती है। बैठो बैठो काम करो। हाँ याद है आज दो मेहमानों का खाना बनाना है? जी खाना तो तकरीबन तैयार है। मसाला जरा तेज रखना। जी हाँ अच्छा तेज होगा। शाबाश, तो मैं चलकर मेज लगाती हूँ। एक तो नौकर, दूसरे मियाँ बीवी, कुछ बाल बच्चों का जिक्र किया हो तो वो भी बता। नहीं। क्या हो गया? हंडिया तो देखिए घी जल रहा है।
मसाला डालिए ना, ये लीजिए लाल मिर्च का डब्बा। घी जल रहा है, यहाँ तो सारे बदन में आग लगी हुई है। और ये क्या कर दिया, मर्चों का डब्बा ही लूट दिया। तो क्या हुआ, उन्हें तेल मसाला ही तो चाहिए। मगर इससे तो मुंह जल जाएंगे। तो मैं क्या करूं, अच्छे भले आदमी को तुमने हड्डिया मैनेजर बना दिया। क्या कहते हैं, आपका चेक वगैरह तो उसी रोज का तैयार है, मगर काम की वजह से आपको बुला नहीं सका। अजी कोई बात नहीं, हम भी एक महाराजा साहब के साथ शिकार खेलने चले गए थे। जी हाँ, बड़े हाथी मारे। हाथी? इनका मतलब है कि हाथी पर बैठकर खरगोश मारे। हाथी पर बैठकर खरगोश? अजी ऊपर से निशाना अच्छा बैठता है। अच्छा अच्छा, तो आपको शिकार का शौक है? जी हाँ, हमारा तो शिकारी पर गुजारा है। क्या कहते हैं, हमने भी तो आज आपके लिए मुर्गा भी बनवाई है। लीजिए नैपकिन बांधिए। शुक्रिया। हमारे नए नौकर बिल्कुल अंग्रेजी टाइप का खाना बनाते हैं। रंजीत खाना लाओ भाई। जब तो खूब मजा रहेगा। क्यों भाई मिस्टर मोहन, मेरा मतलब है हिंदी में मिस्टर सचदेव। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद, सलाद लीजिए। वेरी गुड सलाद। शुरू कीजिए, पहले मुर्गा भी लीजिए। ये तुम मुंह क्यों बना रहे हो जी? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ये नौकर तो कहीं देखा हुआ मालूम पड़ता है। जरूर देखा होगा, बड़े बड़े अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की है इसने। वेरी गुड नौकरी। मीना गदम हो गया। अब क्या हुआ? अरे ये मेहमान तो सब मुझे पहचानते हैं, सेठ जी के दफ्तर में मुलाकात हुई। भाई अब खाना तुम्हें लेके जाओ। अच्छा तो मैं ही ले जाती। वेरी गुड खुशबू और जायका तो वेरी 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 गुड। तो आपको पसंद आया? पसंद, बहुत पसंद। पानी पीजिए पानी। बिल्कुल अंग्रेजी टाइप का खाना है। मैं खाने के साथ पानी ज्यादा ही पीता हूं। मिर्चें जरा ज्यादा है। जी नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। क्या कहते हैं, आप और लीजिए ना मिस्टर सचदेव। आप ही खाइए मिस्टर धर्मचंद, मैं तो रोज खाता हूं। पहले इनको दो लीजिए। क्या बदतमीजी है, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी मुझे चक्कर आ गया। देख ली अपने अंग्रेजी फैशन के नौकर। अजीब बात है। अजी कोई बात नहीं साहब, एक दफा मेरे एक नौकर ने तो मुझ पर पानी का घड़ा उल्टा दिया था। माफ कीजिए, आपके कपड़े खराब हो गए। अजी कोई बात नहीं, ये कपड़े हमारे कौन से अपने हैं। इनका मतलब है कि इस फानी दुनिया में किसी का क्या अपना है। आपके ख्याल तो बड़े धार्मिक है। अजी हमारी जिंदगी ही धर्म अर्थ है। तब तो आपके दर्शनों से बड़ा लाभ हुआ। अजी लाभ तो जो हमें होगा उसकी आपको खबर ही नहीं। क्यों मिस्टर सचदेव? वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। अजी आप जैसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, वरना आजकल धर्म ही मान कर कौन पूछता है। क्या कहते हैं? हाँ जी। अरे आप लोग कुछ खाइए ना, फ्रूट लीजिए। जी हम तो रोज खाते हैं। सेठ जी तो दिन रात काम करते रहते हैं। अजी काम ही की वजह से तो इन्होंने नाम पाया है सचदेव जी। वेरी गुड नाम, हमारा नाम भी तो काम ही की वजह से बना है। अजी हमारा नाम तो अब इतना बन चुका है कि काम की जरूरत भी नहीं पड़ती। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। माफ कीजिए, मैं भी हाजिर हुआ। सेठ जी चेक लेते आना, हमने जरा गाड़ी पकड़नी है। जी हाँ लाता हूँ। आप लोग खाइए ना। भाई खा रहे। क्या बात है, सगाई दिखाइए। ये तो चोर है। चोर किधर, कहाँ? ये आपके मेहमान चोर है। मेहमान चोर? क्या कहते हैं, क्या कहती हूँ? ये देखिए इनकी जेल की तस्वीर। ये तो सचमुच चोर है। शाबाश बेटी तुमने बचा लिया, शुक्र है अभी तक चेक नहीं दिया। मैं इनसे अभी समझ लेता हूँ। वेरी वेरी गुड धर्मचंद। चेक लिया है सेठ जी? क्या कहते हैं, चेक तो आ ही जाएगा साहब, मगर अभी अभी पुलिस ने दो बदमाशों की तस्वीर भेजी है। कहते हैं दो मशहूर धोखेबाज व्यापारी बनकर फर्मों को लूट रहे हैं, देख लीजिए। अरे इनको तो कहीं देखा हुआ है। क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड ठाकुर, इनको मैंने तो कहीं नहीं देखा। ओह मेरे बटुआ, वो तो होटल में ही रह गया। माफ कीजिए, आजकल ये ठग लोग फिर रहे हैं कि उड़ा के नहीं ले जाए, मुझे अभी जाना पड़ेगा। नमस्ते। ठहरिए साहब, जल्दी क्या है, चेक तो लेते जाइए। चेक तो आ जाएगा, पहले मैं अपना कैश की फिक्र तो कर लूं। नमस्ते।
आप क्यों चल दिए साहब? अजी बटवा इनका है, पर उसमें रुपए मेरे हैं। क्या कहते ये क्या हो रहा है? ये रुक एकदम क्यों चले गए? आज तो मीना ने बचा लिया, वरना ये दोनों ठग थे। ठग ठग हाय हाय, मेरे नैपकिन भी ले गए वो। शुक्र करो तुझे छोड़ गए हैं, वरना तुझे भी साथ ले जाते। ये देखो ऐसे ठग थे। वारी किस्मत, मैनेजर से नौकर, नौकर से बावर्ची, बस एक ही कसर बाकी रह गई थी धोबी बनने की, वो भी तुमने पूरी कर दी। अब आगे जाके क्या बनाओगी तुम जानो तुम्हारा परमात्मा। यहाँ तो ऐसा ही होगा साहब। ऐसा ही होगा। जियो राम, जियो राम। भटकारी मतवारी गिर आई रतिया रे हो रतिया रे हो रतिया। भटकारी मतवारी गिर आई ओ भटकारी मतवारी गिर आई रतिया रे हो रतिया रे हो रतिया। घटकारी रे संवरिया देखो जी संवरिया, गिर गिर आए घटकारी रे संवरिया देखो जी संवरिया। उड़ उड़ जाए मोरे दाने चुनरिया, उड़ उड़ जाए मोरे दाने चुनरिया। चुनरी के संग उड़े मन हर जाई, चुनरी के संग उड़े मन हर जाई। हर जाई ओ हर जाई घटकारी मतवारी घिर आई ओ घटकारी मतवारी घिर आई रतिया रे हो रतिया रतिया रे हो रतिया। काली घट देख मन बावरी का डोले रे, सुनो 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 बोली प्यार भरी बोले रे, सुनो 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 बोली प्यार भरी बोले रे। देखो जी रुतु मतियों की आई, देखो जी रुतु मतियों की आई। हर जाई ओ हर जाई घटकारी मतवारी घिर आई ओ घटकारी मतवारी घिर आई रतिया रे हो रतिया रतिया रे हो रतिया। क्या कहते हैं कौन है? नमस्ते। नमस्ते सेठ श्याम सुंदर आप हैं? जी हाँ, मेरा नाम शंकर दास है, यानी कि राय साहब शंकर दास। ये मेरी लड़की बिमला है। क्या कहते हैं, आइए ना बैठिए। क्या कहते हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा एक आदमी कुछ दिन हुए दिल्ली आया था, मगर यहाँ आकर गुम हो गया। मैं उसकी तलाश में आपके पास आया। आपके आदमी का क्या नाम है? रंजीत कुमार। जी हाँ, वो तो मेरे ही पास है। शुक्र है ये फिक्र दूर हुई। यानी कि यहीं ठहरा हुआ रंजीत। बहुत अच्छा आदमी है। अजी बहुत मेहनती और दयानतदार आदमी है साहब। तो क्या कहते हैं, आप उसे मिलने आए हैं? मिलने क्या, बस समझिए वापस ले जाएंगे। वापस ले जाएंगे? जी, उसकी गैर हाजिरी से मेरा बहुत हर्ज हो रहा। मगर वो वापस कैसे जा सकता है साहब, यहाँ मेरा काम कौन करेगा? आपका काम तो और क्या,
मेरा तो सारा घर उसके हवाले है साहब। पूरे 2 महीने मेरी बीवी अपने हाथ से खाना पकाती रही है। अब रंजीत ने खाना पकाना शुरू किया तो बेचारी को आराम मिला है, क्या कहते हैं? यानी कि रंजीत ने खाना पकाना शुरू कर दिया है? जी हाँ, सुबह से शाम तक काम करता है, कहीं झाड़ू लगाता है, कहीं कपड़े धोता है, कहीं बर्तन साफ करता है। बर्तन साफ करता है? ये आप कौन से रंजीत का जिक्र कर रहे हैं साहब? मेरा रंजीत तो मेरे दफ्तर का मैनेजर है। दफ्तर का मैनेजर? जी। अजी मेरा रंजीत तो बावर्ची है। ये भी खूब रही है, क्या कहते हैं, ये भी अच्छी रही। मैं किसी को रोता हूँ और आप किसी को सामखा का झगड़ा। ये रंजीत तो बेचारा नौकर है, बेशक देख लीजिए, मैं भी बुलाता हूँ। रंजीत, अबे ओ रंजीत। माफ कीजिए, बगैर सोचे समझे आपसे झगड़ा शुरू कर दिया। क्या कहते हैं, कसूर तो मेरा है। रंजीत आया जी। हैं रंजीत, रंजीत इधर आ। अरे इधर आओ ना भाई। तो यही तो है वो रंजीत? रंजीत अजी, ये तो मेरा बावर्ची है। बावर्ची कैसा? ये तो मेरा मैनेजर है। है मैनेजर? क्या कहते हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने है साहब। मेरा दिमाग तो ठिकाने, आपका ठिकाने नहीं। ये मेरा मैनेजर और मेरी लड़की का मंगेतर भी है। है मंगेतर? अजी साहब, ये तो शादीशुदा है। शादीशुदा? तो और क्या, इसकी बीवी भी तो हमारे यहाँ काम करती है, क्या कहते हैं? यानी के बीवी? हाँ हाँ, मैं भी बुलाता हूँ। क्या कहते हैं, मीना? मीना जी। बाबूजी जी, जी नमस्ते। बीवी ये और मंगनी मेरे साथ। डैडी रंजीत को सर्वे से डिसमिस कर दो। यू आर डिसमिस? यानी के बिल्कुल डिसमिस? मेरी बात तो सुन लीजिए। बात क्या सुनिए, यानी के उधर मैनेजर और इधर बाबूजी, उधर मंगनी और इधर ब्याह। ठहरिए, ये इनका कसूर नहीं। दिल्ली में रहने को जगह नहीं मिलती थी, ये सब मेरा कसूर है। तुम्हारा कसूर है तो तुम भी डिसमिस। चलो बिमला, यानी कि यहाँ सब चोर इकट्ठे हुए हैं। क्या कहते हैं, तुम भी तो डाकू बनकर नौकर उड़ाने आ गए। आप तो भैये जी, चलो बिमला। मगर मेरी बात तो सुन लीजिए। यू आर अगेन डिसमिस, डबल डिसमिस। चलो डैडी। चलो बेटा। मगर क्या कहते हैं शकुंतला, शकुंतला नौकरी भी गई और छोकरी भी गई, और ये सब तुम्हारा कसूर है। एक तो मुझे बर्तन धोने दो को नौकर बना दिया और सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपने तो कहा था रहने के लिए जगह ढूंढो। मैंने कहा था तुम्हारा सर शमशान क्यों नहीं पहुंचा दिया मुझे? अरे तो रोती क्यों हो, मेरा जनाजा तो नहीं निकला अभी? आप हर वक्त डांटते रहते हैं। आंसू पोंछ लो भगवान। हाय हाय, बेचारी को क्यों रुलाते हो? क्यों बेटी, क्या हुआ, क्यों रोती हो? ये मर्द लोग बड़े बेरहम होते हैं। मासूम लड़की को रुला दिया, तुम्हीं ने कुछ कहा होगा। क्या कहते हैं, मैंने कुछ कहा या इन्होंने? कहते थे मियां बीवी हैं और ब्याह भी नहीं हुआ। ब्याह नहीं हुआ तो हो जाएगा, आखिर कौन सा अंधेर हो गया? मत रो बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर ये तो नौकर भी नहीं है। तू तो चाहते हो कि जबरदस्ती नौकर बन जाए। आखिर कल ही तो इस लड़की ने तुम्हें बदमाशों से बचाया है, आज उस राय साहब की बातों में आकर सब कुछ भूल गए। अजी मैं राय साहब को क्या समझता हूँ। हमें तो वो डिसमिस कर गए हैं। वो इन्हें डिसमिस कर गए हैं तो तुम इन्हें ठेका दे दो, राय साहब को नानी याद आ जाएगी। क्या कहते हैं, ठीक कहती हो। गुस्सा मुझे भी आ गया है, आया राय साहब कहीं का। तुम खोलो जी अपनी कंपनी, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और ठेका भी। कंपनी ठेका? तो और क्या, मगर एक शर्त है। क्या? क्या? आज दोपहर का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। क्या कहते हैं, खाना बड़ा लजीज बनाते हो। साहब खाना एक बार क्या, 10 बार बना लीजिए। चलो अब तो आंसू पोंछ लो। क्या कहते हैं, बढ़िया। चलो लम्बे ये क्या कर रहे हैं आप? देखती नहीं, दफ्तर बना रहा हूँ अपना। ये है जनाब हमारे चपरासी साहब मिस्टर करेला। और आप कहाँ हैं? मैं ये रहा मैं, और ये रही आप, और ये रही आपकी चुटिया, और ये है एक सेठ बहुत मोटे से हमसे मिलने आ रहे हैं। मगर दरवाजा है छोटा, सेठ मोटा, सौदा खोटा, इसलिए सेठ वापस। अगर इसी तरह लोग वापस गए तो दफ्तर कैसे चलेगा? ये फिर सोचेंगे, फिलहाल तो इस दफ्तर में मैं और तुम अकेले। फिर ये क्या कर रहे हैं आप? चपरासी देख रहा है। ये क्या मुसीबत है, हमें नजदीक भी नहीं आने देती।
भाई कुछ तो मौका देना चाहिए हम अपना हाल इधर सुना सके। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए किस जा लगा है तेरे नजर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए इतना याद है बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना पूछिए अजी बस कुछ ना पूछिए हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए किस जा लगा है तेरे नजर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए। अरे बेटी रंजीत ने अपनी कंपनी खोली। अपनी कंपनी खोल ली है लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से है? सेठ श्याम सुंदर ने उसे पैसा भी दिया और यानी के कॉन्ट्रैक्ट भी, और यह भी पता चला है कि उसका मीना के साथ ब्याह हरगिज नहीं हुआ। ब्याह नहीं हुआ लेकिन वहां तो वो तो ढोंग रचाया था ठेका हासिल करने के लिए। ब्याह ना हुआ है ना होगा। ओफो, काम करते करते थक जाता हूं। रंजीत कुमार क्या ठाट है? अजी जवाब नहीं। पर मिस्टर रंजीत कुमार इस कंपनी में मेरा हिस्सा क्या है? आपका हिस्सा? हम देखो जी ये दफ्तर है यहाँ ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी। अच्छी बात है तो चलो अंदर काम करो। बैठ जाओ लिखो एक बिजनेस लेटर। सेठ श्याम सुंदर 5 नंबर कुतुब रोड न्यू दिल्ली। लिखा? लिखा। नमस्ते। नमस्ते। लिखा? तो लिखो मैंने दफ्तर खोल लिया है और काम बाकायदा शुरू कर दिया है। एक सेक्रेटरी भी रखी है। काम वाम तो कुछ नहीं करती मगर शक्ल सूरत बुरी नहीं। ये बिजनेस लेटर है? तुम नहीं जानती हो आजकल के बिजनेस लेटर ऐसे ही होते हैं। लिखो लिखो। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है।
मैंने उसे अपना बिजनेस साथी तो बना लिया है, मगर जीवन साथी बनाने की तरकीब में लड़ा रहा हूं। मैं नहीं लिखती। नाराज ना हो भाई, लिखो। अच्छा लो, बिल्कुल बिजनेस लेटर लिखो, लिखो, लिखो। ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड। ये किस किस्म की शॉर्ट हैंड है? ये जी नए किस्म की जापानी। ओ जापानी मैम साहब, असलियत ये है कि तुम्हें शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आती और अब तक तुम मुझे धोखा देती नहीं। यू आर डिसमिस्ड, यू आर बिल्कुल डिसमिस्ड, यानी तुम बिजनेस साथी बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मगर जीवन साथी बन सकती हो। मीना, अब दिल की बात कहे बगैर रहा नहीं जाता, तुमसे प्रेम हो गया है, आज से नहीं, जब से तुम मेरे उस दफ्तर में आई थी तब से। मैं भी एक दिल की बात कहूं? हाँ कहो। अच्छे तो मुझे भी आप उसी रोज से लगने लगे थे, मगर आप इतने रोब से बात करते थे मैं सहमी रहती थी। तो ये हमारे झूठे रोब ने मारा हमें। अरे जितने साहब लोग दफ्तर में डट के बैठते हैं ना, सब मेरी तरह पिलपिली साहब होते हैं। और आपकी वो भी तो थी मिस बिमला। ओह नहीं, उस वक्त तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि प्रेम किस चिड़िया को कहते हैं। सिर्फ पैसा और पोजीशन, यही दो चीज नजर आते थे। मीना, मेरी माता जी ने बिमला को कभी पसंद नहीं किया, मगर तुम देखना जब तुम चलोगी तो इतना प्यार करेंगे वो तुमसे कि शायद मुझसे ज्यादा। अच्छा आपकी माता जी कहाँ है? कश्मीर में। हम लोग कश्मीर के रहने वाले हैं। मैं हूँ खालिस कश्मीरी, पश्मीने का पट्टू। और मीना, हमारी तुम्हारी शादी भी कश्मीर में ही होगी। शादी? क्यों, शादी से डरती हो? हाँ क्यों ना डरो। शादी तुम्हारी पहले कब हुई? रंजीत बाबू, शादी तो एक सुंदर सपना है। उस सुंदर सपने को असलियत में बदलना हमारा काम है ना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर मैं आपके काबिल नहीं हूँ। जी क्या कहती हो, यूँ कहो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या मालूम मेरे बीते दिन। ओफो, बीते दिन, ये तुम्हें क्या होता है, कुछ दौरा सा उठता है, हंसते हंसते उदास हो जाती हो। बीते दिनों में क्या किसी से कुछ प्रेम प्रेम किया था? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है, अगले दिन, पिछले दिन, बीते दिन। देखो जी, प्रोग्राम ये है कि हम लोग एक हफ्ते में कश्मीर पहुंच जाएंगे और वहां जाके हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। मंजूर है? जरा इधर देखो। हाँ कह दो। हाँ मीना ने बात मेरी मान ली रे, मीना ने। देखो मैं माता जी को जाकर तार दे देता हूँ, कितना आप शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू कर दी जाए, और यहाँ भी दोस्तों को जाकर इत्तला कर देता हूँ। मीना ने बात मेरी मान ली रे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई आज तो राजकुमारी चंपतपुर बहुत खुश नजर आती। तुम क्या ठाट हैं? वेरी गुड ठाट। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं मिस्टर मोहन? ऐसे ही बिजनेस के लिए। हाँ मीना देवी, भाई मुबारक हो, शिकार अच्छा बताया। कैसा शिकार? लड़की समझदार है। यार तुम, हम तो बिल्कुल बुद्धू ही रहे। ये बाबू रंजीत कुमार कम से कम 2000 महीने के आसामी है। बड़ी अच्छी बात है, बहन अमीर होगी तो भाइयों को भी कुछ मिलेगा, और फिर हम बहन को कत्ल के इल्जाम से भी तो बचा रहे हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? ब्लैकमेल यानी कि धोखे से पैसे बटोर रहे हैं? तोबा 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 तोबा, क्यों भाई मिस्टर मोहन? अजी लानत भेजो ब्लैकमेल पर, हम तो यहाँ सौदा करने आए हैं, इस हाथ दे और इस हाथ ले। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। तो सुन लो मीना देवी जी, देखिए कत्ल का इल्जाम अभी आपके सर पर है, और उस ग्रीन होटल में की गई धोखेबाजियों में भी आप हमारी शरीक। तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब हमारे हाथ में है। तुम लाख तड़को मगर हमारे जाल से निकल ना पाओ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि 5000 रुपया एक हफ्ते के अंदर रंजीत बाबू से हासिल करके हमारे हवाले कर दो, वरना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं रंजीत बाबू को धोखा नहीं दूंगी। तुम बेशक मुझे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस की मदद लेना तो बच्चों का काम है, और रंजीत बाबू को तुम्हारे बारे में बता देना बस काफी है। जब उसको पता लगेगा
कि मीना मुजरिम है तो नहीं, भगवान के लिए तुम उनसे कुछ ना कहना। तो फिर हमारी जबान बंद करना भी तो तुम्हारे ही हाथ है मीना देवी। ये तो नहीं हो सकता कि तुम तो दौलत में खेलो और हम गरीब तुम्हारे हमदर्द पैसे पैसे को तरसते रहे। अजी यहाँ सिगरेट पीने के लिए एक पैसा नहीं है। हमारा पता नोट कर लो मिस मीना। मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, हिंदुस्तान होटल माल रोड, बस इतना। चलिए मिस्टर मोहन। चलिए। और ख्याल रहे। हाँ हाँ, जरा ख्याल रहे पैसे वक्त पर पहुंचे, वरना मिस्टर रंजीत को सब अगली पिछली का पता चल जाएगा। ओहो, इन सुंदर नैनों में नीर। ओह, आप यू ही कोई याद आ गई थी, किसी की याद आ गई थी या मिस्टर मोहन सोहन कुछ याद दिला गए थे। तो रंजीत ने अपना दफ्तर ले लिया है और तुम्हें कंपनी में साथी भी बना लिया है। सुना है कि तुम्हें जीवन साथी भी बनाने के इरादे हो रहे हैं। मेरी तरफ से मुबारक हो मीना देवी। रंजीत तुमसे प्रेम करता है, प्रेमी के लिए प्रेम ही उसकी सारी दुनिया है। और बाकी रही ये बात कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, मोहन सोहन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, ये सब मामूली बात है। रंजीत को इनसे क्या वास्ता। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मीना देवी कि रंजीत तुम्हारा नहीं हो सकता। तुमने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में अंधा कर रखा है, लेकिन जब वो तुम्हारी असलियत देखेगा तो उसकी नफरत की नजर तुमसे बर्दाश्त ना होगी। तुमने उसे अपनी मोहब्बत में जकड़ रखा है। उसकी इस कमजोरी से फायदा ना उठाओ मीना। तुमने उसे एक बड़ी पोजीशन से हटाकर इस तंग कोठरी में बंद कर रखा है। रंजीत हमारी फर्म का मैनेजर था और मुझसे शादी करने के बाद वो हमारी फर्म का मालिक हो सकता था। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया से निकल जाओ। तुम्हारी दुनिया और रंजीत की दुनिया एक नहीं हो सकती। मेरी बात का जरा ख्याल रखना। रंजीत बाबू, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी दुनिया से निकलकर जा रही हूँ। मेरे चले जाने में तुम्हारी भलाई है, भगवान के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। आंसू पहुंच लो। आप? जी मैं। ढूंढते ढूंढते चूरा उड़ गया। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिमला की जबानी ये तो मालूम हुआ कि तुम्हारी और उसकी कोई बातचीत हुई और फिर तुम वो खत रख के वहां से चली आई। बिमला ने मगर तुमसे क्या कहा ये नहीं मालूम हुआ। बिमला ने तो खास मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो फिर चोरों की तरह से भागने की क्या जरूरत थी? तुमने किसी की चोरी की है या किसी के अंदर डाका डाला है सिवाय मेरे दिल के ऊपर? तुमने किसी का खून तो नहीं किया? आखिर किया क्या है तुमने? आपको क्या मालूम मैं कौन हूँ? शायद मैंने चोरी की हो, शायद मुझ पर खून का इल्जाम हो। खून का इल्जाम तो है, मेरे खून का। मजाक छोड़िए रंजीत बाबू। अच्छा भाई छोड़ दिया मजाक, मगर तुम्हें तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो बिमला की बातों में ना आओ और मेरे साथ चलो।
मेरी एक बात तो सुनिए। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। शराफत से तुम मेरे साथ चली चलो। मगर कुछ नहीं, कल शाम की गाड़ी से हम लोग कश्मीर जाएंगे। माँ जी ने वहां शादी की तैयारियां भी करनी शुरू कर दी होंगी। अरे भाई मेरे लिए नहीं तो अपनी शादी के लिए ही चली चलो, क्या ख्याल है? चलो और जोर से चलो चलो। मीना ने बाद सितारे, ये शोख सितारे, ये शोख सितारे, एक शोख नजर की तरह करते हैं इशारे, ये शोख सितारे। प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं, इनकार नहीं कीजिए इकरार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं। करो जी चिंता न करो जी, चिंता न करो जी, दुनिया यूं ही कहती है ना दुनिया से डरो जी, चिंता न करो जी। तकदीर की खूबी है कि जो फिर से गए मिल दो बिछड़े हुए दिल। Thank you.
माता जी? जुग जुग जिए बेटा, देर से तुम्हारी बाट देख रहे हैं। माँ ये है मीना। हाँ मैंने पहचान लिया, जीती रहो बेटी। आपने मुझे कैसे पहचाना? रंजीत के खतों से। आजकल तो तुम्हारी तारीफों के सिवा कुछ लिखता ही नहीं। मैंने तारीफें कुछ गलत तो नहीं लिखी माँ? बिल्कुल गलत। गलत कैसे? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तारीफों से तो कहीं अच्छी है। और वो बिमला तो इस चांद के सामने चांद ग्रहण मालूम होती है। लो माँ जी ने तो तुम्हें पास कर दिया। पास क्या, तुम्हारी आने की खबर पाकर मैंने शादी की तैयारी भी कर ली। हमारी सलाह के बगैर शादी की तैयारी भी हो गई? वाह, तुम मेरी सलाह बगैर आपस में मेल जोल कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारी शादी की तैयारी नहीं कर सकती? ठीक है। चलो बेटी, तुम्हारा कमरा तैयार है, मुँह हाथ धो लो फिर चाय पिया। रामू जल्दी से चाय तैयार कर ला। बहुत अच्छा जी। लो अभी से मीना मीना शुरू हो गए, हमारी कोई परवाह नहीं करता। चल जल्दी तैयारी कर। चा डाक है बीबी जी? कोई मेरा खत है? जी हाँ, डाकिया बोले थे शादी का कार्ड है। शादी का कार्ड? श्रीमती जी, मेरे सुपुत्र रंजीत कुमार की शादी खाना आबादी कुमारी मीना देवी से 10 मई को श्रीनगर में तय पाई है। आशा करती हूँ कि आप शुभ घड़ी पर दर्शन देकर शोभा बढ़ाएंगे। आपकी शुभ चिंतक सीता देवी। रंजीत कुमार और मीना देवी की शादी? हाँ। जरा मोहन सोहन को भी शादी की दावत मिल ही जाए। चंदू, रामू। जी बीबी जी। ये खत जरा जल्दी से डाकखाने में डाल के आओ। बहुत अच्छा बीबी। बिमला, बिमला बेटी। क्यों बेटे, आज उदासी क्यों है? डैडी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हैं? डैडी। क्यों बेटे? सोचती हूँ किसी पहाड़ पर चली जाऊँ। हाँ हाँ चली जाओ, यानी कि मैं तो अभी दफ्तर के काम की वजह से नहीं जा सकूंगा, मगर तुम एक चक्कर शिमले का लगाओ। शिमले नहीं डैडी। हाँ। कश्मीर जाने का सोचती हूँ। यानी कि कश्मीर चली जाओ, अपना हाउस बोट तो है ही वहाँ। डैडी आप नहीं चलेंगे? अभी नहीं बेटे, शायद 10 दिन के बाद जा सकूंगा, मगर तुम चली जाओ, किसी नौकर को साथ ले जाओ। अच्छा। तो फिर कब जाने का इरादा है? अगर जाना ही है डैडी। हाँ। तो फिर कल ही चली जाती हूँ। यानी कि कल ही चली जाओ, मैं तुम्हारे सफर का सब इंतजाम करवा देता हूँ। ओ डैडी। हम चले दूर, दिल हुआ चूर, है मेरी हूर, ना हो ना जी उदास, ना हो ना जी उदास, गम ना जुदाई का करना, छुप के आए न भरना, गम ना जुदाई का करना, छुप के आए न भरना, आँखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ, आँखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ, हमें समझो दिल के पास, हम चले दूर, या पीर मदद कर, दस्तगीर मदद कर, हैया हो, अल्लाह मेरा बादशाह, मौला मेरा बादशाह, हैया हो,
छोड़ चले मुड़ चले दिल तोड़ चले मेरी सुन जावो एक बार मेरी सुन जावो एक बार मेरी सुन जावो एक बार क्यों छोड़ चले मुड़ चले दिल तोड़ चले मेरी सुन जावो एक बार मेरी सुन जावो एक बार मेरी सुन जावो एक बार लौटोगे कब और आओगे जब क्या लाओगे तुम उज मेरे लिए उज मेरे लिए उज मेरे लिए लौटोगे कब और आओगे जब क्या लाओगे तुम उज मेरे लिए उज मेरे लिए उज मेरे लिए आँखों के द्वार खुले हर तुम रहेंगे आँखों के द्वार खुले हर तुम रहेंगे तेरे लिए हो जी तेरे लिए तेरे लिए हो जी तेरे लिए हम रो रो पे काटेंगे रात हम रो रो पे काटेंगे रात मेरी सुन जावो एक बात मेरी सुन जावो एक बात हैया हो एक बात सुनो साथी एक बात सुनो साथी एक बात सुनो साथी एक बात सुनो साथी बिखरी हुई उल्फत के कुछ मोती चुनो साथी बिखरी हुई उल्फत के कुछ मोती चुनो साथी एक बात सुनो साथी एक बात सुनो साथी उल्फत नाम जताओ जी उल्फत नाम जताओ जी इस राह में काट है इस राह में काट है काटो में ना आओ जी ना आओ जी ना आओ जी काटो में ना आओ जी ना आओ जी ना आओ जी भैया हो 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 बधाई हो जीते रहो बेटा जाओ आगे बैठो मुबारक हो शुक्रिया अंदर चलिए नमस्ते जीते रहो कमला शीला आई नहीं नहीं चलो बेटा अंदर बैठो नमस्ते नमस्ते मुबारक चलिए चलिए आप अंदर चलिए बधाई नमस्ते मौसी जीते रहो बेटी हेलो रंजीत कांग्रेचुलेशंस थैंक यू पिताजी सेहत की खराबी की वजह से नहीं आ सके उन्होंने मुझे भेज दिया है अच्छा बेटी तुम तो आ गई ना मगर रंजीत बाबू को शायद अच्छा नहीं लगा वाह तुमसे कोई लड़ाई थोड़ी है बिंदा हाउ स्वीट यस हाउ स्वीट हाँ आओ ना बेटी बैठो कुछ चाय वाय पियोगी जी नहीं ये कौन है बेटा कोई साधु मालूम होते हैं आइए महाराज श्री अयोध्यानाथ जी जी श्री द्वारकानाथ जी क्या शान है क्या धूमधाम है बिटिया की शादी पर हाँ प्रभु की माया है महाराज सच वचन है महाराज नमस्कार नमस्कार आइए आप आप किसी से मिलने आए श्री युद्धराज जी इन्होंने तो हमें पहचाना नहीं लो कर लो बात नहीं क्या मालूम महाराज अनजान का क्या दोष महाराज हम अपनी भतीजी की शादी करने आए भतीजी हाँ मीना बेटी और कौन मीना आपकी भतीजी है बिल्कुल अकलौती भतीजी है महाराज दोनों की
मगर मीना ने तो हमसे आपके बारे में कुछ नहीं कहा। लो कर लो बात, महाराज लड़का तो बिल्कुल भोला है। वेरी गुड भोला। ओ, नहीं महाराज, बिल्कुल भोला। बेटा हम तो सारी उम्र साउथ अफ्रीका में रहे हैं। हम तो जब हिंदुस्तान से गए थे तो मीना बिटिया तो पैदा भी नहीं हुई थी अभी, क्या महाराज? हाँ महाराज, बिल्कुल पैदा नहीं हुई थी। जैसे हिंदुस्तान वापस आए उसकी शादी की खबर सुनते ही सीधे यहाँ पहुंचे महाराज। अजी हमारी तो भतीजी भी यही और समझो कि लड़की भी यही है, और इसका दहेज भी तो हम ही ने देना है, क्यों महाराज? सच है महाराज। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोग आ गए। मैं मीना की होने वाली सास हूँ। लो कर लो बात, तब तो आपसे गले मिलना चाहिए। नहीं 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 श्री द्वारका दास जी, महाराज औरतों को गले मिलने का रिवाज साउथ अफ्रीका का है, इस देश का नहीं। सच वचन महाराज, आपने तो मौके पर बतला दिया। और ये मेरा लड़का रंजीत है जिससे मीना की शादी होने वाली। अच्छा महाराज, आदमियों से मिलने का गले तो रिवाज है ना? जी हाँ, गले छोड़ टांगों से मिलिए। महाराज अभी से मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी है, अभी कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। बेटा जरा सीने से लग रहा है, कलेजे में ठंड नहीं पड़ी महाराज। महाराज बेटा रंजीत, हाँ बेटा भी दिल नहीं भरा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आप लोग बैठिए, मैं भी मीना को बुलाती हूँ। मीना, ओ बेटी मीना, देख कौन आए हैं। आपके लिए कुछ खाने वगैरह के लिए मंगाया जाए? हाँ जी, जो कुछ हम मंगवाइए महाराज। सीधा अफ्रीका से यहीं आ रहे हैं महाराज, भूख बहुत लगी है। मैं अभी मंगवाता हूँ। रामू, ए रामू बैठिए महाराज। आप लोग तशरीफ रखिए। सतवचन सतवचन जी। माता जी नमस्ते। मीना देवी जी नमस्ते। बेटी जी, इन्हें पहचाना? जी नहीं। लो इस बिचारी को आप लोग का पता नहीं। लो कर लो बात, इस बिचारी को कैसे पता हो सकता है? मैं इसे बतलाता हूँ। बेटी आओ ना, अपने चाचा से मिलो। आओ ना, मैं इसे याद कराता हूँ, इसे एक बात कर लूँ। हाँ जी हाँ, आपका हक है। आओ बेटी, जाओ ना बेटी, जाओ। जरा प्राइवेट खानदानी बात है। पहचाना अपने चाचा को? सोहन। सोहन नहीं, चाचा द्वारका दास। लेकिन खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो सारा पोल खोल डालूंगा। चलो। अब तो पहचान लिया ना बेटी? अजी अपने खून को क्यों ना पहचानेगी, क्यों बेटा? अच्छा बेटी अब तुम जाओ, और मेहमान आ रहे हैं, शादी से पहले तुम्हारा मेहमानों के सामने होना ठीक नहीं। मगर अगर मगर क्या बेटी, हमारी फिक्र मत करो, हमारी देखभाल आप कर लेंगी और इनकी देखभाल हम कर लेंगे, क्यों महाराज? बिल्कुल महाराज, अब इनका अपना एक ही है। जाओ बेटा, बुजुर्गों की आज्ञा मानो। बेचारी कुछ घबरा सी गई है। हमें देखकर बेचारी को बचपन की याद आ गई है, बेचारी के माँ बाप भी तो गुजर चुके हैं, अब हम दोनों के सवा बेचारी का कौन है, क्यों महाराज? आपका कमरा दिखाओ। चलिए मिस्टर सोनला। ओह हाँ महाराज, द्वारका दास। मिस्टर मोहन एंड सोहन। हेलो मीना। ओ आप, मैंने सोचा दुल्हन को बधाई दे आऊं। बधाई? एक नहीं बल्कि दो। तो एक तो रंजीत बाबू के साथ शादी की और दूसरी अपने चचाओं से मिलने की। आपके चचा जान तो बहुत भले लोग मालूम होते हैं, देखिए ना आपकी शादी की खबर पाते ही आपका जहेज लेकर आ गए। मगर देखा तुमने, इनकी आवाज चाल ढाल बिल्कुल मोहन सोहन के साथ मिलती जुलती है, जो एक दफे तुम्हारे दफ्तर में भी आए थे। हाँ सचिन के नाम से कुछ याद आया, रंजीत को मोहन सोहन के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? पता चले न चले क्या फर्क पड़ता है? ये ना कहो बहन, रंजीत को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर उसे पता चल गया तुम्हारी पिछली जिंदगी में कुछ गड़बड़ रही है तो वह फौरन मुंह फेर लेगा। आप रंजीत को गलत समझती हैं, और हमारे आपस के प्रेम को भी। रंजीत को मुझसे कोई चीज भी जुदा नहीं कर सकती। ओह, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना भरोसा है? जी। अभी नादान हो, धोखा खाओगी। तुम नहीं जानती
मर्द अपनी इज्जत को मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। कहो भाई क्या झगड़ा हो रहा है? बिमला तुम मीना को डांट रही हो क्या? अच्छा तौबा, मेरी क्या मजाल की मैं आपकी मीना को डांटूं? यूं ही एक नॉवल पर बहस हो रही थी जिसकी कहानी मीना देवी और मैं दोनों जानती हैं। क्या बहस थी? ये बात ठीक है मीना, हम अपनी बहस का फैसला मिस्टर रंजीत पर ही छोड़ देते हैं। ये हमारे हीरो की पोजीशन हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिर बात क्या है? बात यह है कि हमारी कहानी के हीरो को शादी से कुछ देर पहले मालूम होता है कि हीरोइन चोरों और ठगों की साथी है। अच्छा। अब फर्ज कर लो तुम वो हीरो हो, अब बताओ कि तुम ऐसी हालत में उसे शादी करोगे या नहीं? और इन्हें यह भी तो बताओ कि वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है। तो हीरो को वाकई पता लग गया है कि हीरोइन चोरों और ठगों की साथी है? हाँ हाँ पक्का पता लग गया है, मगर एक दूसरे को वो बहुत चाहते हैं। भाई मेरे ख्याल से कोई कितना भी चाहे किसी को, मगर मर्द इज्जत को मोहब्बत से ज्यादा कीमती समझता है। छोड़ो इन बातों को, चलो ना बाहर, देखो कितना मजा आ रहा है। तुम्हारे चचा तो भाई वाकई बड़े अच्छे आदमी है, बुड्ढों और बच्चों को सबको इकट्ठा करके दोस्त कर लिया है। आ चलते। बेटा रंजीत कुमार आया। माँ जी तुम भी आओ, जल्दी से आओ। क्यों, अपने प्रीतम का फैसला सुन लिया मीना देवी? अच्छा अब मुझे इजाजत दो, मैं भी जरा जाके तमाशा देख लूं। घिर घिर के आई बदरिया साजनवा ना
आजा। घिर घिर के आई बदरिया साजनवा ना जा। कह महाराज कलयुग आजकल चोर तो ऐसे चालाक हो गए हैं कि आंख झपकते ही माल उड़ा लेते हैं, क्यों महाराज? सच्चा द्वारका दास जी, और फिर ब्याह शादी में तो इनके गुलछर्रे होते हैं। याद है आपको अपने वो राम भरोसे की लड़की, अजी उसकी शादी का सारा जहेज उड़ा कर ले गए। सारा जहेज? जी हाँ, भेष बदल कर मेहमानों के साथ शामिल हो गए थे। अजी कमबख्त नकली दाढ़ियां लगा कर आ गए थे। महाराज आजकल तो गांठ का पक्का होना चाहिए, वरना गांठ गायब समझो। मैंने इसीलिए मीना बेटी के गहने अपनी तिजोरी में रख लिए। आपके पास तिजोरी है? हाँ महाराज, हम तो हमेशा तिजोरी अपने साथ रखते हैं। कल युग है, क्या मालूम किस वक्त चोर का सामना हो जाए, क्यों महाराज? हाँ महाराज, एहतियात भली। ब्याह शादी में कोई एतवार नहीं, बड़े बड़े अमीर इसी तरह फकीर हो गए। सत वचन है महाराज। अब जैसे आपने ये हार पहन रखा है, हो सकता है कि अंधेरे में आपका कोई गला काट कर हार ही ले जाए। गला? और कान के कांटे तो कानों समेत ले जाते हैं। महाराज आप अपनी तिजोरी में हमारे गहने रख सकते हैं। ना बाबा, मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेता। रख लीजिए साहब, रख लीजिए। हाँ हाँ रख लीजिए ना। है द्वारका दास जी। महाराज जो कदमों में गिर पड़े उसे ना उम्मीद नहीं करना चाहिए, कर भला हो भला। अच्छा सत वचन महाराज, तो फिर आप ही तकलीफ करके इकट्ठे कर लीजिए गहने सारे। अच्छा महाराज, जो आ गया इनको दे दीजिए। चलिए जी, आखिर इनका नुकसान भी तो अपना ही नुकसान है महाराज। एहतियात जरूर करनी चाहिए, आखिर जेवर है। हाँ जरूर जरूर, कीमती जेवर है। मीना तुम भी अपने जेवर सेफ में रखवा देना, सुनते हैं यहाँ चोरी का खतरा है। जी तुम्हारे चचा अयोध्यानाथ द्वारका दास जी तो बिल्कुल देवता स्वरूप आदमी है, उन्होंने सब मेहमानों के जेवर लेकर अपने पास सेफ में रख दिए हैं, इसलिए कि चोरी ना हो जाए। मेहमानों के जेवर ले लिए? हाँ, मगर तुम क्यों घबरा गए? उन्होंने तो सिर्फ हिफाजत के लिए रखे हैं। अरे भागो यार, जल्दी करो। ओ वेरी गुड। ठहरो ठहरो। भगवान के लिए ठहर जाओ। तुम आगे लाओ, चलो इनका पीछा करो, जल्दी चलो और जल्दी। अरे जल्दी चलाओ ना। अजी फिलहाल तो बिमला हाजिर है। मीना कहाँ है? आपकी मीना देवी आपके मेहमानों के जेवरात समेत अपने चचाओं के पास हैं। क्या मतलब? मतलब ये है रंजीत साहब कि वो दाढ़ियों वाले चचा जान हिंदुस्तान के मशहूर ठग मोहन और सोहन हैं, और आपकी मीना देवी उनकी साथी हैं। देख लीजिए वो जा रहे हैं। Please, please, please.
हाय हाय मैं रानी बन गई, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। क्यों जी आज कंपनी बाहर नहीं जाना? वेरी गुड मिस्टर मोहन। यस मिस्टर सोहन। अब यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में गोवेंटगान। वेरी गुड, वरना सारी बारात आन पहुंचेगी। पहले हमको मीना के पीछे भागना पड़ा था, अब मीना को हमारे पीछे भागना होगा। अरे यार मीना बेचारी अब हमें क्या ढूंढेगी। तुम्हें ढूंढने के लिए अगर मुझे सारी दुनिया भी छाननी पड़ती तो भी ढूंढ लेती। यहाँ तो पूछ पूछ कर पहुंच जाना कोई मुश्किल ना था। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ सिवाय मेरे भगवान की और कोई नहीं। ओ सिर्फ भगवान? उसकी फिक्र नहीं, डर तो पुलिस का है। मोहन दरवाजा बंद कर दो। क्यों आई हो यहाँ? तुम जानते हो मैं क्यों आई हूँ यहाँ। जेवर तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। जेवर मुझे लौटा दीजिए, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, जेवर तुम्हें लौटा दिए तो फिर शर्त कैसी? मैं वादा करती हूँ कि उम्र भर आपके साथ रहूंगी। हमारी साथी बनने को तैयार हो तो फिर ये जेवर क्यों वापस करवाती हो? ये इसकी चाल है मिस्टर सोहन, यह रंजीत को नहीं छोड़ सकती। मैं रंजीत बाबू को छोड़ दूंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मुझे चोर समझे और ये सोचे कि मैं उसे ठगने के लिए उसके दिल से खेल रही थी। मैं उसकी नजरों से नहीं गिर सकती। मैं हाँ कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ। जेवर दे दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं आपके पांव छूती हूँ। मेरी दरख्वास्त ना ठुकराइए, ये जेवर दे दीजिए। हरगिज नहीं, तुम्हारी बातों का मुझ पर कुछ असर नहीं है मीना। मुझ पर रहम कर दीजिए, मैं सारी उम्र गुलाम बनकर रहूंगी। हमें ये शर्त मंजूर नहीं है, तुम जो चाहो कर लो। मैं किसी का क्या कर सकती हूँ? मैं अब रंजीत बाबू को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे जीने का क्या मतलब, मुझे जिंदगी से क्या लेना? अपनी जान दे सकती हूँ तो रोकता कौन है? हम खुदकुशी की धमकियों से डरने वाले नहीं है। खुदकुशी धमकी नहीं है, मेरे दुखों का यही इलाज। सोन भैया क्या है? बेचारी मर जाएगी। अरे हिंदुस्तान में 10,000 इंसान रोज मरते और जीते हैं, आज 10,000 एक हो जाएंगे। मगर इसका खून हमारे सर पड़ेगा तो फिर हम क्या करें? मैं सोचता हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो अपने हिस्से के जेवर वापस कर दो, बाकी उसका आधा खून मेरे सर रहेगा, वो मैं देख लूंगा। ये लो। दिल इतना सख्त भी नहीं करना चाहिए सोन भैया, किसी की जान जाए और यहां धड़कन भी ना हो और मीना को बचा लें। शायद ईश्वर हमारे कुछ गुनाह माफ करके हमें अच्छी और नई जिंदगी बसर करने का मौका दे। चलो मीना, मीना बहन जरा सुनना। मीना बहन, बहन की शादी पर ये भाई का तोहफा। हाँ गिन लो, कहीं ज्यादा ना हो। ये तोहफा तो था मोहन भाई की तरफ से, और मेरी तरफ से ये है कि तुम्हारे पर अब कोई कत्ल का इल्जाम नहीं। तो क्या कत्ल का इल्जाम मुझ पर नहीं है? ना है और ना था। अजी असली मुजरम तो सेठ रामदास के कत्ल के दूसरे दिन बाद ही पकड़ा गया था। मैं आजाद हूँ। बिल्कुल आजाद, खुली हवा की तरह। अब रंजीत को तुम रखो या छोड़ो, ये तुम्हारा जिम्मा है, हमारा नहीं। मैं आप लोगों का शुक्रिया किन लफ्जों से अदा करूं? मीना बहन शुक्रिया अदा करने में वक्त जाया मत करो, वो ना हो कि तुम तो शुक्रिया अदा करती रहो और हम अपनी सलाह बदल लें, आखिर जेवरों का मामला है। अच्छा तो मैं जाती हूँ। टाटा।
मिस्टर मोहन। यस मिस्टर सोहन। यार आज तो बड़ी भलाई हो गई है। हाँ यार कुछ ज्यादा ही हो गई है। खुदा ने नोट तो कर लिया होगा ना। ओह वेरी गुड नोट। थैंक यू। इंस्पेक्टर हुकूमत राय उधर नहीं दे वो है उधर चलो। दोस्त एक भलाई तुमने की थी मीना को आजाद किया अब एक मैं करता हूँ ये नहीं तुम्हें गिरफ्तार करवाता। गिरफ्तार क्यों अकल ठिकाने है। अकल ठिकाने आई है तभी तो कह रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है। मीना की बातों ने दिल पर कुछ असर किया है। इस जुर्म की जिंदगी में स्वाद और धूप के कुछ नहीं। आखिर कानून से कब तक भागेंगे। जब तक हिम्मत है आखिर आजादी है। ये कहाँ की आजादी है। हर आवाज पर चौंकना हर खतरे पर भाग उठना न दिन को चैन न रातों को नींद ये झूठी आजादी है दोस्त। तो फिर क्या सलाह है। सलाह यही है कि अपने आप को कानून के हवाले करके जिंदगी का वर्क बदल डाले। वेरी गुड। सीता देवी जी आपको हमारा पूरा नुकसान भरना होगा। आपने यहाँ हमें ठगने के लिए बुलाया था। अच्छी दुल्हन ढूंढी दुनिया भर की चोर अब आप बोलती क्यों नहीं। क्या बोलूं बहन आखिर इंसान धोखा खाए जाता है। शकल की कितनी भोली थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं आता माँ के मीना चोर थी। आपको यकीन आवे या ना आवे हमें तो हमारा जेवा चाहिए नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। आप तो खामखा इन्हें कोस रही हैं। जो धोखा आपके साथ हुआ है वही रंजीत बाबू के साथ भी तो हुआ है। इन्हें क्या मालूम था वो लड़की ठग है। हाँ जी ये तो बड़े भोले हैं। भोले थे जब ही तो नुकसान उठा रहा है। आप लोगों का तो जेवर और रुपया ही गया है। इनका तो नाम और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल गए। हम बातें नहीं सुनना चाहते हमें हमारा जेवर चाहिए। लीजिए आपके जेवर आ गए। अरे मेरा जेवर मेरी बंगली अरे मेरा हार मेरे अंगूठी मेरा हार है ये मेरी मेरी अंगूठी मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल नजर आती है। मैं माफी चाहती हूँ मेरी वजह से आपकी बेइज्जती और बदनामी हुई है माफ कर दीजिए। मैंने आपको अपने बारे में बहुत दफा बतलाने की कोशिश की। मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी। मैंने इसीलिए आपसे एक दफा जुदा होने की कोशिश भी की थी मगर आपने मुझे वापस आ जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं आपके प्रेम में असलियत को भूल गई थी। अब मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहती हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ है मेरी बदनीयती की वजह से नहीं। मैंने किसी को धोखे का शिकार नहीं बनाया मैं खुद ही अपनी किस्मत का शिकार बनी रही बस यही मेरा कसूर था। जेवर वापस कर देने वाली चाल तो अच्छी थी मगर अफसोस कामयाब ना हो सकी। बिमला बहन मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे और रंजीत के बीच में आकर तुम्हारा हक छीना। हकदार का हक कौन छीन सकता है। किस्मत ने रंजीत को मेरे लिए बनाया था तुम बेचारी किस्मत बदलने वाली कौन। शिकारे वाले इधर लाओ चलो पार ले चलो। सवारी आ सकती है।
साथ निगाहों के साथ साथ है पूछने की बात मगर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए अजी बस कुछ न पूछिए किस जा लगा है तीर नजर कुछ न पूछिए अजी लाइक share and subscribe to TV Next Bollywood.